Hello friends, welcome for the second day of the revision class. So students, hopefully आप सब लोगों ने अब तक वो केस लॉज की वीडियोस मैंने आपको बताया था देख लेने के लिए. इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, असेसमेंट प्रोसीजर इस बार अपील्स रिविजन ये जो टॉपिक है इस पे एग्जामिनेशन में केस लॉ पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ये अटेम्प्ट में नवंबर 16 में. तो अपील्स रिविजन एंड स्पेसिफिकली अपील रिविजन और कुछ असेसमेंट के 147 रिलेटेड कुछ केस लॉज है वो आप प्लीज जरा देख के जाए. स्टूडेंट्स, असेसमेंट प्रोसीजर में मैं आपको एक और एक हिदायत देता हूं कि आप 139(1) रिटर्न ऑफ इनकम जितने भी 139 के सीरीज है एक बार आप अल्टीमेटली वो सेक्शन जरूर देख लीजिएगा. रिटर्न का सेक्शन देख लेना. रिटर्न का सेक्शन देख लिया आपने, ठीक. असेसमेंट का मैं आपको बता देता हूं, आप रिटर्न के सेक्शन को रीड कर लीजिएगा. तो आज आप रिटर्न के सेक्शन को रीड करेंगे और बाद में जितने केस लॉज हमारे वो केस लॉ के वीडियो में है अपील्स और रिविजन्स के कॉन्टेक्स्ट में भी स्टूडेंट्स वो भी आप अल्टीमेटली क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है ना. तो ये पर्टिकुलर चीज आपसे एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट्स. पेनाल्टी की भी बहुत लोगों को ये रहती है कि सर पेनाल्टी के लिए क्या होगा, तो पेनाल्टी के लिए भी स्टूडेंट्स आप वही करें जो मैंने आपको बताया था. पेनाल्टी के भी कुछ केस लॉज है उसके अंदर. मैं आपको कुछ चीज बता दूं जल्दी से ताकि वो चीज दिमाग में है तो अल्टीमेटली वो एक रहेगा जो स्टूडेंट्स को एक बार दिखा देना स्लाइड. असेसमेंट प्रोसीजर अपील्स रिविजन पेनाल्टीज, ठीक है, एंड डब्ल्यू आर, ये सब टॉपिक को मैं एक तरीके से सेग्रीगेट कर लेता हूं. अब इसमें से स्टूडेंट्स आप थियरी के रूप में क्या पढ़ लेंगे. फॉर पहला असेसमेंट का लिख देता हूं ताकि ये पहले मैं आपको लिख के कंप्लीट कर दूं. असेसमेंट में आरओआई इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स, जो अमेंडमेंट हुए वो भी देख लीजिएगा. वो मालूम है एक अमेंडमेंट आया है, रेसिडेंट बेनिफिशियरी है यहां पे उसको कुछ एक फॉरेन एसेट से उसका तो वो तो बेनिफिशियरी होगा या एक बेनिफिशियरी इनकम उसको मिल रहा है कुछ इस तरीके से अमेंडमेंट आया था तो उसको आरओआई फाइल करना मैंडेटरी है. वो एक पर्टिकुलर पॉइंट था. और रिटर्न रिलेटेड आरओआई रिलेटेड जो प्रोविजन होंगे फॉर ट्रस्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टी फॉर साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर दोज इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनका टर्नओवर 1 करोड़ तक या उससे अधिक उनके लिए भी क्या है कुछ प्रावधान बनाए गए रिटर्न फाइल करने के लिए तो वो वाले प्रोविजन एक बार आप देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आप केस लॉ वीडियो मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि अगर हो सके तो मिनिमम आप केस लॉ वीडियो में से 70 मिनट के बाद जो नवंबर 16 की हमारी वीडियो 70 मिनट के बाद अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंगली वो सारे असेसमेंट वाला पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. तो वहां से जिन्होंने अब तक वीडियो देखा नहीं है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं. मैंने लिंक लगा के रखा है अपने फेसबुक में, वो लिंक पहुंच गया या तो अपने सेंटर से पूछ लो वो सेंटर आपको लिंक दे देंगे. केस लॉ की वीडियो देयर आफ्टर ये हो गया अल्टीमेटली केस लॉ सेंट्रिक हो गया. अपील्स में स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन बनता है एंड रिवीजन ये केस में भी सिर्फ केस लॉज रहेंगे. हमने सारे केस लॉज कवर कर लिए अच्छी तरीके से कवर कर लिए. इंपॉर्टेंट केस लॉज जो है वो अकॉर्डिंगली आप ये ध्यान रखिएगा वो भी वीडियो के तहत आप इसे कंप्लीट कर लेना. ये केस लॉज ही पूछ रहा था अदरवाइज पे ज्यादा कोई दम नहीं है. थियरी वेरी पे अब ज्यादा टाइम आपके पास है भी नहीं तो आप केस लॉज पे फोकस करना. कुछ इंपॉर्टेंट मेघालय स्टील सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से ये आइटम में आना चाहिए. मेघालय स्टील सुप्रीम कोर्ट इस आइटम में आना चाहिए अपील्स रिलेटेड. ये केस लॉ वीडियो में मैंने अच्छा खासा उस पर आपको राइटअप दे दिया है तो ये उसमें से आ गया. अदर देन दैट स्टूडेंट्स पेनाल्टी रिलेटेड पेनाल्टीज के लिए स्टूडेंट्स इसके लिए आपके पास कुछ सर्कुलर है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेनाल्टी. वो केस लॉ के वीडियो में टुवर्ड्स एंड आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स. टाइम लिमिट को लेके ऐसा कुछ पॉइंट वहां पर है पेनाल्टी को लेके. टाइम लिमिट क्या बनेगी 275 में पेनाल्टी की जो टाइम लिमिट है उसके लिए आपको केस लॉ के वीडियो में टुवर्ड्स एंड कुछ मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है. वो आरटीपी में भी रखा हुआ है. अदर देन दैट ये केस लॉस तो ये दोनों चीज आपको एक सर्कुलर है टाइम लिमिट के लिए टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 275 और प्लस केस लॉ ये दोनों चीज आपको कहां मिलेगी केस लॉ के वीडियो में.
एंड देन देयर आफ्टर, देन देयर आफ्टर, और एक होगा, एक अमेंडमेंट है आया है, वो हम आज की क्लास में करेंगे, इसको मैं आपको करवा देता हूं. एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 270(1)(1)(c), ये अमेंडमेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेनाल्टी रिलेटेड इश्यूज है. तो इतना सारी चीजें हैं अल्टी यहां पे. और सुरेश, इस अटेम्प्ट के लिए डबल AR आप गो थ्रू करके जाना, ये छोटा टॉपिक है, इस अटेम्प्ट के लिए देख लेना, गो थ्रू केयरफुली, छोटा टॉपिक है, आपको ज्यादा से ज्यादा आधा से 45 मिनट से ज्यादा ऊपर लगना नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज इसको दो आधा घंटा मैक्सिमम ये टॉपिक कंज्यूम करेगा, तो प्लीज इसको देख लेना. तो ये सारे एरियाज एक तरीके से कवर कर लेगा. कैसे कवर करना मैंने बता दिया, एक रीडिंग तो बनेगी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कितना भी बोल लूं आपको ये रीडिंग करनी ही पड़ेगी, तो वो टाइम आपका मैं बचा रहा हूं अल्टीमेटली इस तरीके से. तो ये सिचुएशन ध्यान रखना, कमिट इस तरीके से करना. अब आइए स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करते हैं. जो एक्सपेक्टेड कल के पेपर में जो आपको मिलने वाला है वो एक होगा DDT, ये हो सकता है, या फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये दो में से एक सरोगेट टैक्स रेगुलर स्टूडेंट्स कैप्सूल कोर्स. ध्यान रखना DDT और AIF, इस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, बाकी जो है छोटे छोटे एरिया उसको जल्दी कंप्लीट करना, उसके बाद अटक मत जाना. जैसे कि अनलिस्टेड शेयर्स पे बायबैक अगर होगा तो बायबैक ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, तो वो सब चीज बहुत उसके टैक्स रेट ही आपको याद रखने पड़ते हैं, इजंट इट. रेट पे भी ज्यादा इस समय पे टाइम वो जो दे रहे हो, तो जल्दी से उसको एक बार रीड करके उसके जो स्ट्रक्चर है रिट के, मैंने पिछले साल जब किया था तो उसकी मैंने नवंबर 15 वालों के लिए किया था, तो नवंबर 15 में आ ही गया था पिछले साल जब किया था. तो इस साल अल्टीमेटली मैं रिट वापस नहीं कर रहा हूं वीडियो में, लेकिन आप उसको देख लेना. लेकिन मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट इस अटेम्प्ट के लिए होगा ये DDT एंड AIF, मैं इसको रिवाइज कर लेता हूं. बाकी जो है अनलिस्टेड शेयर्स, रिट, ये दो जो बैलेंस है ये आप अपने एंड पे जल्दी से इसको रिवाइज कर लेना. ये मैं क्लास में करवा रहा हूं, और होमवर्क क्विकली गो थ्रू, क्या करना पड़ेगा आपके एंड पे, रिट एंड बायबैक ऑफ अनलिस्टेड शेयर. तो उससे क्या हो जाएगा कि ये एक 10 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, तो ये अल्टीमेटली कंप्लीट हो जाएगा. चलिए स्टार्ट किया जाए. सेक्शन 115(o) का ये गेम है स्टूडेंट्स, जहां पे डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिक्लेरेशन पे, पेमेंट पे कौन करेगा, बाय डोमेस्टिक कंपनी, उन्हें डिविडेंड DDT का सामना करना पड़ेगा. किस टाइप के डिविडेंड है, डिविडेंड दो टाइप के, नॉर्मल डिविडेंड होंगे आपके और डीम डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड और डीम डिविडेंड. लेकिन जहां तक डीम डिविडेंड की बात है स्टूडेंट्स, डीम डिविडेंड सिर्फ 222A से लेके 222D तक. ई में DDT नहीं लगता, क्योंकि ई में शेयर होल्डर को लगता है डिविडेंड. ई में शेयर होल्डर को अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपको शेयर होल्डर को सामना करना पड़ेगा एज फार एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टैक्सेशन इज कंसर्न. लेकिन अदर देन दैट, बाकी सारे डिविडेंड पे शेयर होल्डर एग्जेम्पशन मिलता है, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी को इस पे DDT का अल्टीमेटली लायबिलिटी बनती है. तो ये डोमेस्टिक कंपनी को DDT पे करनी पड़ेगी. स्टूडेंट, DDT का आप एक ही रेट बाहर करके चलना, यही रेट, जब भी DDT कितनी करनी है सीधा एक फ्लैट रेट पकड़ लो. आप बोलोगे सर 15% था, नहीं स्टूडेंट्स, इफेक्टिव रेट एक अमेंडमेंट आया था लास्ट ईयर में 15/85 का एक केस है, उसके बाद सरचार्ज टॉप अप करना है, सेस लगाना है, तो इफेक्टिव रेट एक चीज याद रखना, DDT का इफेक्टिव रेट क्या होगा, 20.35%. ठीक है, अब स्टूडेंट्स ऐसे केस में यहां पे जो भी डिविडेंड दिया जा रहा है उस डिविडेंड में से कुछ रिलीफ है, मतलब कि रिलीफ का मतलब क्या होगा, रिलीफ का मतलब है कि इसमें से डिविडेंड शैल एक्सक्लूड. ये डिविडेंड में से आपको दो टाइप के डिविडेंड एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, डोमेस्टिक कंपनी यहां पे क्या है, एक होल्डिंग कंपनी, ऐसा लिखो, इफ डोमेस्टिक कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी, इफ डोमेस्टिक कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी,
of another Indian subsidiary. Or foreign company, bracket break now, foreign subsidiary. Holding company का मतलब कि greater than 50% का इसका क्या है, stake है, greater than 50% का क्या है, stake है. तो if domestic company is a holding company, मतलब greater than 50% of another Indian subsidiary or a foreign company, मतलब कि foreign subsidiary. अब यहाँ पे students थोड़ा सा आप careful रहना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, थोड़ा सा careful रहिएगा. अच्छा, ये Indian subsidiary में हमारा investment है, तो वो Indian subsidiary ने dividend declare किया होगा, dividend declare किया होगा तो उसने DDT pay की होगी, तो on that dividend declared by Indian subsidiary, by Indian subsidiary on which DDT has been paid, on which DDT has been paid. Which DDT has been paid. किसने पे किया होगा? By the Indian subsidiary. तो वो dividend को हमें क्या करना पड़ेगा? Minus करना पड़ेगा. So the dividend, इसमें relief मिलेगा. It excludes if domestic company is a holding company of another Indian subsidiary company on on that dividend declared by the Indian subsidiary on which DDT has been paid by the Indian subsidiary. ठीक है. अच्छा, दूसरे केस में क्या है स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक कंपनी जो एक की होल्डिंग कंपनी है, किसकी होल्डिंग कंपनी? एक फॉरेन कंपनी की होल्डिंग कंपनी है. अब उस फॉरेन कंपनी से उनको क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है. फ्रॉम दैट इफ दे आर गेटिंग डिविडेंड, तो मुझे बताओ कि क्या फॉरेन कंपनी ने, क्या फॉरेन कंपनी ने डीडीटी पे किया होगा? उस डिविडेंड पे जो फॉरेन कंपनी, फॉरेन सब्सिडरी जो अपने इंडियन होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड पे कर रही है, तो क्या उस डिविडेंड पे फॉरेन सब्सिडरी ने डीडीटी पे किया होगा? And the answer is no. तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स, ऐसे सिचुएशन में there is one provision of section 115 BBD. एक provision है section 115 BBD का. As per that particular provision students, as per that particular provision, वो provision क्या कहता है कि जो in domestic company जो कि एक holding company of a foreign company, a domestic company which is a holding company of a foreign company, and it is receiving the dividend from its foreign subsidiary, जो foreign company से उसको dividend आ रहा है, उस डिविडेंड पे डोमेस्टिक कंपनी को एज पर सेक्शन 115 बीबीडी उनको 15% फ्लैट क्या करना होगा? उस डिविडेंड इनकम पे टैक्स पे करना होगा, इन कॉम्पिटिंग इट्स टोटल इनकम. अपने टोटल इनकम की कॉम्पिटिशन में उनको 15% क्या करना होगा? दे हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स. तो यहां पे स्टूडेंट्स होगा ये कि इस केस में डोमेस्टिक कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स एट स्पेशल रेट अंडर सेक्शन 115 बीबीडी एट द रेट ऑफ, क्या रेट है? 15%. एट द रेट ऑफ 15%. ठीक है, यहां पे नोट लिख देना, no expense shall be allowed as deduction in computing as deduction while charging the dividend at flat rate. जो flat rate से जो dividend जो tax हो रहा है, उस particular dividend income पे कोई भी expenditure deduction नहीं मिलेगा. तो हो सकता है कि आपने कोई recovery expenses incur किए होंगे for that dividend, कोई आपके interest expenses होंगे for earning that dividend,
क्योंकि आपने लोन लिया होगा, तो लोन लिया होगा फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, तो उस लोन से आपको इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आ रहा है और फॉरेन कंपनी से डिविडेंड आ रहा है, तो क्या डिविडेंड इनकम को उस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर के साथ नेट ऑफ कर पाओगे? नहीं करना है आपको, क्योंकि फ्लैट 15% आपको क्या करना है, वो डिविडेंड इनकम पे टैक्स करना है। जैसे कि आपका लॉटरी विनिंग है, फ्लैट क्या करते हो आप लोग, 30% लगाते हो ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट, सेम शैल बी द पोजिशन इन दिस रिगार्ड एज वेल, सेम पोजिशन यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड स्टूडेंट्स, और इस चीज में आप लोग एकदम केयरफुल रहिएगा। सो ये चीज यहां पर है, तो ये आपको रिड्यूस करना होगा। तो दिस टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड, तो ये एक डिविडेंड जो कि डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में, अच्छा यहां पे फर्स्ट डिविडेंड वेर इन डोमेस्टिक कंपनी अपने सब्सिडरी से डिविडेंड रिसीव कर रही है, वो सब्सिडरी जिसने डीडीटी पे कर दिया है, तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए वो एक डिविडेंड उसको आ रहा है फ्रॉम इट्स इंडियन सब्सिडरी, और वो इंडियन सब्सिडरी ने डीडीटी पे कर दिया है, तो मेरे लिए वो डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है, और एग्जेम्प्ट है इन माय टोटल इनकम, प्लस वो डिविडेंड अमाउंट मैं रिड्यूस करूंगा फ्रॉम द डिविडेंड विच आई हैव डिक्लेयर्ड, जिसपे मेरी डीडीटी की लायबिलिटी बनेगी। ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, एक फॉरेन सब्सिडरी अगर उससे मुझे डिविडेंड मिला है, तो वो डिविडेंड इनकम मेरे लिए एग्जेम्प्ट नहीं है, मेरे टोटल इनकम पे आएगा, और टोटल इनकम पे मैं उस पे 15% के हिसाब से विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, मैं 15% के हिसाब से उसका क्या करूंगा, फ्लैट टैक्स लेकर आऊंगा, और फिर वो डिविडेंड जो है, वो फॉरेन डिविडेंड जो मुझे मिला है, वो डिविडेंड मैं रिड्यूस करूंगा फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स, फ्रॉम द डिविडेंड विच आई एम डिक्लेयरिंग टू माई शेयर होल्डर, और नेट डिविडेंड पे ही मुझे क्या है, डीडीटी की लायबिलिटी है। क्या रेट है? 20.357%। स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कैप्सूल और रेगुलर बच्चों आप लोग को तो करवाया था, वो एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एंड आई विल एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन मैंने बोला था कि अगर आना चाहिए तो वो क्वेश्चन आना चाहिए एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, जो कैप्सूल और रेगुलर में मैंने ये करवा दिया था आप लोग को, तो प्लीज वो एक क्वेश्चन इस पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी का, वो प्लीज गो देख के चले एज फार एज एग्जामिनेशन इज देयर। स्टूडेंट्स डीम डिविडेंड की बात चल रही है, तो एक चीज ध्यान रखना, 222E ये जो होगा मेरे हिसाब से इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, 222E इज एन इंपॉर्टेंट एज फार एज इस अटेम्प्ट, और यहां पे एक केस लॉ भी है वीर विक्रम वेद का, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है इसमें, ठीक है। तो एज सच स्टूडेंट्स क्या कर लेना, मेरे आपसे गुजारिश होगी कि वीर विक्रम वेद वो केस लॉ वीडियो में अगर आप चले तो 65th मिनट के बाद और 70 मिनट के बीच में ये केस लॉ आ जाएगा, 65th मिनट और 70th मिनट के बीच में केस लॉ आ जाएगा, तो वो केस लॉ देख लेना, लेकिन 222 ही अदरवाइज प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डीम डिविडेंड इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है, आपको आइडिया होगा व्हाट इज 222E। 222E के डिविडेंड में आपको स्टूडेंट्स आइडिया है, एज फार एज 222E डिविडेंड इज कंसर्न, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स क्या है इसमें, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी या लोन एंड एडवांस दे रही है, किसको दे रही है, आइदर टू सच शेयर होल्डर। अच्छा हु इज सच शेयर होल्डर, ये सच शेयर होल्डर कौन है, वो शेयर होल्डर जिसका क्या है 10% वोटिंग पावर है एट द टाइम व्हेन द लोन एंड एडवांस आर बीइंग गिवन, जब लोन एंड एडवांस दिया जा रहा है तो वो शेयर होल्डर का वोटिंग पावर कम से कम 10% होना चाहिए उस समय पे जिस समय लोन दिया जा रहा है। कौन लोन दे रहा है, लोन दे रहा है क्लोजली हेल्ड कंपनी, तो क्लोजली हेल्ड कंपनी जब लोन दे रही है तो उस समय वो शेयर होल्डर का वोटिंग पावर 10% होना चाहिए, मिनिमम 10%। चलिए अगर ये तो डायरेक्ट हो गया, दो इनडायरेक्ट तरीके हैं स्टूडेंट्स कि हमने इस सच शेयर होल्डर को लोन्स नहीं दिया लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इनके बेनिफिशियरीज को, या ये बेनिफिशियरी है लेकिन किसी और व्यक्ति को अल्टीमेटली क्या किया, लोन्स एडवांस दिए, वो और लोग कौन है, चलो उस और लोग के बारे में खोज में चले जाए। तो या तो मैंने सच शेयर होल्डर को, जो शेयर होल्डर जिस दिन मैंने लोन एडवांस दिया उस दिन पे उसका कितना परसेंट है, 10% है, तो मैंने उनको लोन दिया, या फिर अब ध्यान से सुनना, या फिर मैंने एक ऐसे कंसर्न को,
या फिर एक ऐसे पर्सन को लोन या एडवांस दिया है जिसमें इस शेयर होल्डर का उस कंसर्न में कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, 20% इंटरेस्ट होना चाहिए, और वो इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का हो सकता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में कभी भी उस कंसर्न में इस शेयर होल्डर का मिनिमम 20% इंटरेस्ट होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे समझे, तो स्टूडेंट समझ के चलो, से फॉर एग्जाम्पल मेरा ये शेयर होल्डर है, ठीक है, जून में इसने क्लोजली हेल्ड कंपनी में 15% का शेयर होल्डिंग उसने एक्वायर किया। ये पर्सन ने 15% का होल्डिंग जून 2015 में उसने 15% का शेयर होल्डिंग एक्वायर किया, ठीक है। अच्छा, ये शेयर होल्डर एक पार्टनरशिप फर्म में इन द मंथ ऑफ डिसम्बर स्टूडेंट्स क्या है, इन द मंथ ऑफ डिसम्बर 2015 वो क्या करता है स्टूडेंट, जल्दी से बताओ, वो 20% का पार्टनर बन जाता है, 20% का पार्टनर बन जाता है इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो जून में ये पर्सन शेयर होल्डर बनता है कंपनी का, और यही पर्सन पार्टनर बनता है इन अ फॉर्म इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है कि प्राइवेट कंपनी ने नवंबर 2015 को इन्होंने क्या किया, उस पार्टनरशिप फर्म को लोन्स एंड एडवांस दिए, तो क्या 222E एप्लीकेबल होगा टू दैट? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जिस दिन लोन दिया गया है उस दिन ये पर्सन सच शेयर होल्डर शुड बी मिनिमम 10% होल्डिंग होनी चाहिए उस कंपनी में। तो इसकी तो होल्डिंग जून में ही हो गई थी और लोन आपने दिया है नवंबर में, ठीक है। अच्छा, किसको लोन दिया है? एक कंसर्न को दिया है। तो बताएं, मैंने कंसर्न के लिए क्या कहा था कि इस शेयर होल्डर का उस कंसर्न में मिनिमम 20% इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड दैट टू एट एनी टाइम ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, कोई भी समय पे, उसके पहले, उसके बाद, जब भी। तो ऐसे कोई सिचुएशन को ये नहीं है, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट है, क्वेश्चन ये इसी विंडो में से आ जाएगा कि या तो मैंने डायरेक्टली इस शेयर होल्डर को दिया पैसे, ठीक है, या फिर मैंने ऐसे कंसर्न को दिया जिस कंसर्न में इस शेयर होल्डर का क्या है स्टूडेंट्स, इस शेयर होल्डर का अल्टीमेटली 20% और मोर इंटरेस्ट है, दैट इज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक दो पॉइंट आती है 222E में ध्यान रखना। यहां पे स्टूडेंट्स आप जो डिविडेंड देते हो वो किसमें से दोगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसमें से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से आपको कैपिटलाइज प्रॉफिट को इग्नोर करना है। जो कैपिटलाइज प्रॉफिट होती है वो इग्नोर हो जाती है 222E के लिए। फॉर 222E कैपिटलाइज प्रॉफिट इग्नोर किया जाता है। मतलब कि कैपिटलाइज प्रॉफिट क्या होगा कि अगर आपका शेयर कैपिटल अगर होगा 3.5 लाख, उस 3.5 लाख में 50,000 रुपए क्या होगा आपका शेयर कैपिटल में से 50,000 होगा आपका योर बोनस शेयर्स, और बोनस शेयर्स कैसे होते हैं? बाय कैपिटलाइजिंग योर प्रॉफिट, ठीक है। तो 3 लाख का आपका शेयर कैपिटल है, आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कंपनी के जो अभी तक जनरल रिजर्व ये सारे जो है वो अब तक है से फॉर एग्जाम्पल 4 लाख के आफ्टर द बोनस इश्यू। तो मेरे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में स्टूडेंट्स यहां पे ये 4 लाख है, और दिस इज एक्सक्लूडिंग व्हाट मैं कह सकता हूं ना, एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट। मैंने 4 लाख का फिगर दिया। कैसे फिगर दिया? क्योंकि पहले से 50,000 ऊपर पहुंच गया शेयर कैपिटल में, पहले से 50,000 पहुंच गया ना, इसका मतलब जो भी जनरल रिजर्व है उसमें वो कैपिटलाइज प्रॉफिट बाहर है, कम हो चुका है। तो वही हमें बात करनी है कि जो हमारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा वो उसमें कैपिटलाइज प्रॉफिट आपको कंसिडर नहीं करना है। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में ध्यान रखना। तो आपको दिया जाएगा कि शेयर कैपिटल में इतना बोनस एलिमेंट है, फिर उसके बाद आपको नीचे जनरल रिजर्व दिया जाएगा। तो जनरल रिजर्व जितना दिया है 12-12 कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि वो जनरल रिजर्व आफ्टर कैपिटलाइजेशन लाया गया है, इसका मतलब कैपिटलाइज प्रॉफिट उसके अंदर नहीं है। चलिए, अब ऐसे केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा कि जब जब लोन्स देगी कंपनी उस शेयर होल्डर को, तब तक अल्टीमेटली आपको अपने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को उतना तक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे लोन्स और एडवांस देती रहेगी कंपनी तो उतना कैपिटलाइज प्रॉफिट कम होता जाएगा। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो शायद आपको पता होगा, हमने सॉल्व भी किया था कि जब कंपनी लोन वन देती है टू सच शेयर होल्डर वन से मिस्टर ए जो एक सच शेयर होल्डर है, तो उसको 2 लाख का लोन दिया,
तो कितना हो गया आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट? अच्छा 222 ई क्या मिस्टर ए को लगेगा? हाँ लगेगा। कितना डीम डिविडेंड माना जाएगा? 2 लाख। और वो क्या होगा? मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख, बैलेंस 2 लाख हो गया क्योंकि 4 में से 2 चला गया। फिर बाद में मिस्टर ए ने वो लोन को रीपे भी कर दिया। स्टूडेंट्स अगर मिस्टर ए लोन को रीपे भी कर दे तो भी आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट चेंज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा वो सब आज के दिन पे चर्चा करके फायदा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर मिस्टर ए ने अगर रीपे भी कर दिया तो भी अल्टीमेट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट चेंज नहीं होगा, ठीक। अच्छा डेट, फिर बाद में सब्सिक्वेंटली वो कंपनी क्या करती है, मिस्टर बी जो कि एक सच शेयर होल्डर है, मतलब 10% और मोर की वोटिंग पावर वो भी रखता है, तो उसको 3 लाख का लोन दिया। अब 3 लाख का लोन दिया लेकिन आपका बैलेंस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट तो सिर्फ 2 लाख है, और अगर बैलेंस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख है तो क्या हो जाएगा, अप टू ₹2 लाख ही क्या माना जाएगा, डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E, और मिस्टर बी पे आप सिर्फ 2 लाख तक ही क्या कर सकते हो, टैक्स लगा सकते हो एज फार एज दिस इज कंसर्न। तो ये बात मैंने स्टूडेंट्स आपको बता दी है, तो इससे आपका DDT एंड 222E मैंने आपको रिवाइज करवा दिया सो फार एज योर दिस वेरी अटेम्प्ट इज कंसर्न, इम्पोर्टेंट है। नाउ AIF स्टूडेंट्स ये काफी इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट, AIF कंसेप्ट इज एन इम्पोर्टेंट वन। अब AIF में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान दीजिएगा। सो फार एज द AIF इज कंसर्न, थोड़ा सा केयरफुल रहे स्टूडेंट्स यहां पे। सो फार एज AIF इज कंसर्न स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी बता रहा हूं, चैरिटेबल ट्रस्ट इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैरिटेबल ट्रस्ट इस समय इस कल के पेपर में आपको चैरिटेबल ट्रस्ट दिखना ही है। अब बोले कि सर फिर क्या करें, बताओ तो क्या करें, वही केस लॉ के वीडियो में मैंने आपको एंड में एक चैरिटेबल ट्रस्ट का जो अमेंडमेंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करवाया, और प्लस शुरुआत के 10-15 मिनट के वही केस लॉ के वीडियो में आपको उसके कुछ केस लॉज मिल जाएंगे। कम से कम उतना तो करके जाना है, कम से कम उतना तो करके जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो क्वेश्चन अल्टीमेटली वो रिवाइज कर लेना, लेकिन मेन तो यही है एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में, मेन तो यही है एज फार एज चैरिटेबल ट्रस्ट इज कंसर्न, अमेंडमेंट एंड द केस लॉज। एनीवेज AIF पे आ जाओ स्टूडेंट्स, AIF भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट था लेकिन अब तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इस वजह से नवंबर के लिए अटेम्प्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ये केस में क्या हो जाता है कि इसमें ये जितने भी ऐसे केस में प्राइवेट इक्विटीज वाला जो फंड्स है, इस केस सिचुएशन में यहां पे 3 कैटेगरी बनाई है वेंचर कैपिटल, ये जो अंडरटेकिंग्स है, इस अंडरटेकिंग में मान के चलिए ये इंडिया है, इसमें वेंचर कैपिटल यूनिट है। अच्छा ये इन्वेस्टर इसके इंडिया के बाहर होंगे, ठीक है, इन्वेस्टर इसके इंडिया के बाहर है। अब इनका इन्वेस्टमेंट लगा होगा, ऐसा कुछ जो भी होगा स्ट्रक्चर इनका इन्वेस्टमेंट लगा है उस अंडरटेकिंग में। अच्छा ये जो अंडरटेकिंग है ये सेबी में इन्होंने 2 कैटेगरी डिफाइन किए, CAT 1 एंड CAT 2, क्योंकि कंसेशन जो दिया गया वो ये जो टैक्स ट्रीटमेंट है ये 2 कैटेगरी के वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है, 2 कैटेगरी के। द थर्ड कैटेगरी ऑल्सो, जो कि एक्चुअली थर्ड कैटेगरी जो सेबी ने बोला है वो उस कैटेगरी को बताया कि वो कैटेगरी इंडिया में जो एक्सपोजर जो उसको मिलती है उसको अपना वो रिस्क को हेज करता है, तो वो कैटेगरी के लिए ये टैक्स ट्रीटमेंट जो अभी हम चर्चा करेंगे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये जो टैक्स ट्रीटमेंट एप्लीकेबल होगा वो Category 1 एंड Category 2, जनरली Category 1 ये सारे सोशल प्रोजेक्ट्स में ज्यादा अपने आप को वो करते हैं, हाउसिंग एजुकेशन ये सारे कैटेगरी, Category 2 ये भले ही Category 2 मेजरली अपने प्राइवेट फाइनेंसिंग के लिए फोकस करते हैं, लेकिन Category 2 जो है वो अपने इंडिया के जो एक्सपोजर है उसको हेज नहीं करता, इस वजह से Category 1 Category 2 ये सेबी के नोटिफाइड है। एनीवे ये तो सेबी का है तो इसमें ज्यादा अब यहां पे फायदा नहीं है बात करके। इसमें ये जो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है इसका जो भी प्रॉफिट होगा या इनकम ऐसा पकड़ के चलो, इसको बोलो इसके जो एक्टिविटी से जो इनकम बनेगा इसके इनकम को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। नाउ सो फार एज द इनकम इज कंसर्न विच इज बिजनेस इनकम, ये एक कैटेगरी हो गया, एंड द अदर इनकम। नाउ बिजनेस इनकम में स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस पे टैक्स होगा ऑन वेंचर कैपिटल, टैक्स इन्हें पे करना है,
which implies that business income pe exemption in hai. They will not pay tax. Agar ye other income raha, then in respect of the other income, the tax ye inko exempt kar diya, which implies what? Tax payment yahan par hai. Tax ki payment yahan par hogi. तो बिजनेस इनकम है उस अंडरटेकिंग का बिजनेस इनकम होगा तो टैक्स का पेमेंट वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग को करना पड़ेगा और उसका कॉन्सिक्वेंस है कि इन्वेस्टर के हाथ में ये एग्जेम्प्ट है. एज फार एज अदर इनकम इज कंसर्न वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग के लिए एक पास थ्रू है, मतलब कि वो इनकम के लिए वेंचर कैपिटल जो होगी वो अंडरटेकिंग अल्टीमेटली उसको कोई टैक्स नहीं है और पास थ्रू स्टेटस है, मतलब कि ये इनकम इन्वेस्टर के हाथ में होगा. अच्छा स्टूडेंट्स नोटिस करना कि ये जो अदर इनकम है इसका सेम कैरेक्टराइजेशन भी सेम होना चाहिए. अब आप बोलोगे ये कैरेक्टराइजेशन क्या है, अभी बताता हूं. लाइक से फॉर एग्जांपल इसके अंदर यहां पे 10 लाख का ये से इंटरेस्ट इनकम है और 20 लाख का ये क्या है यहां पे एलटीसीजी है. ठीक है, इसमें से हम अगर एक मिस्टर ए की बात करें जिसका टोटल 30% क्या है स्टूडेंट्स, 30% उसने इन्वेस्टमेंट ये किया है इन दैट अंडरटेकिंग. मिस्टर ए ने कितना किया, 30% इन्वेस्टमेंट किया है इन दैट पर्टिकुलर अंडरटेकिंग. तो अगर मिस्टर ए ने 30% इन्वेस्टमेंट किया है इन दैट पर्टिकुलर अंडरटेकिंग तो इस स्थिति में क्या होगा कि उसके लिए जो टैक्स इसकी टोटल इनकम जब बनेगी इसकी जब टोटल इनकम बनेगी तो टोटल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स बी केयरफुल, टोटल इनकम में उसका खुद का इनकम ठीक है, फिर फ्रॉम वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में कैसा वो करेगा बिजनेस इनकम में. अच्छा ये आउटर कॉलम में लिख देता हूं उसकी खुद की इनकम. फिर बिजनेस इनकम जो होगी वो इनर कॉलम में लिखते हुए आप क्या करेंगे इसको एग्जेम्प्ट. क्यों? क्योंकि इस पर टैक्स किसने पे कर दिया है, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने. फिर बाद में जो इंटरेस्ट इनकम होगा, देखिए कैसे होगा इंटरेस्ट इनकम जो होगा जो वेंचर कैपिटल से मिल रहा है 30% होगा किस पे, 10 लाख पे. 30% होगा 10 लाख में क्योंकि ये 30% इन्वेस्टर है तो अकॉर्डिंगली ये होगा इसका 3 लाख. सिमिलरली एलटीसीजी जो होगी उसकी ये होगी से फॉर एग्जांपल 30% कितने का, 20 लाख का, तो कितना हो गया ये 6 लाख. अब अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स इसी तरीके से ये होगा और ध्यान रखना सेम कैरेक्टराइजेशन क्यों बोला गया, क्यों यहां पे मैंने लिखा सेम कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि जब टैक्स लायबिलिटी निकाली जाएगी तो ऐसे केस में एलटीसीजी पे बताओ अल्टीमेटली आपको पता ही है चुन्नी बाबू क्या रेट लगता है, 20%. ठीक है, तो 20% पे अकॉर्डिंगली आप वो कर देना और इसी केस पे फिर आने बैलेंस पे नॉर्मल स्लैब रेट लगा के आप उसकी टैक्स लायबिलिटी लेकर आओगे. तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान में रखेंगे एज फार एज दिस पर्टिकुलर इज कंसर्न. एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हमने किया भी था क्लास में इस सिचुएशन को लेके, होपफुली अल्टीमेटली आप इसे जरूर कर लीजिएगा. अच्छा कोई स्टूडेंट्स ये पूछे कि सर इनका जो बिजनेस इनकम का टैक्स रेट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन स्टेटस क्या है उस हिसाब से टैक्स कर दो. ये वेंचर कैपिटल अगर कंपनी है तो कंपनी का अगर ये कंपनी बनाई गई है तो सीधा सीधा अल्टीमेटली क्या कर देना इस सिचुएशन में 30% नॉर्मल टैक्स रेट जो रहेगा, नॉर्मल टैक्स रेट तो देख लो 30% वो होगा. प्लस 1 करोड़ के ऊपर अगर इनकम होगी तो सरचार्ज आपको पता है 7% के हिसाब से लग जाएगा, डोमेस्टिक कंपनी है प्लस एडुकेशन सेस. तो बिजनेस इनकम अगर ये जो है बिजनेस इनकम अगर ये 1 करोड़ के ऊपर चली गई तो अकॉर्डिंगली आपको नॉर्मल टैक्स रेट लगाना होगा. 1 करोड़ के ऊपर चला गया तो आपको सरचार्ज लगेगा 7% के हिसाब से उस तरीके से. कि ऐसे सिचुएशन करके अल्टीमेटली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अल्टीमेटली अपने आंसर्स लानी होगी. सो दिस इज अबाउट एआईएफ स्टूडेंट्स, मैंने आपको करवा दिया है ये देख लेना, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है वो भी देखना. अच्छा इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना. इन्होंने कहा है कि अगर बाई चांस एलटीसीजी नहीं होके अगर हम लिखे कि एलटीसीएल है तो एक क्वेश्चन यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है तो चर्चा कर लेता हूं ताकि कंप्लीट हो जाए. अगर एलटीसीजी नहीं होके अगर ये एलटीसीएल है तो क्या होगा,
तो क्या LTCL भी पास थ्रू होगा? क्या LTCL को भी हम पास थ्रू करेंगे? टू दैट द आंसर इज नो. LTCL पास थ्रू, लॉस पास थ्रू शेयर होल्डर को नहीं होगा, इन्वेस्टर को नहीं होगा. ये लॉस अगर LTCL है, ये जो वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है, ये अपने लेवल पर ही क्या करेगी, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी. ये अपने लेवल पे इसको क्या करेगी, आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी. अब कैरी फॉरवर्ड करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर अगर उसके पास क्या है, स्टूडेंट बता दो, नेक्स्ट ईयर अगर उसके पास LTCG आता है 40 लाख का, तो बताओ फिर क्या होगा. तो जो लास्ट ईयर का LTCL है वो इसको इससे सेट ऑफ करके नेट 20 लाख को पास थ्रू करेगी टू द इन्वेस्टर. नेट 20 लाख को पास थ्रू करेगी टू द इन्वेस्टर एंड दैट इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड. तो चलिए स्टूडेंट्स, ये दो मैंने करवा दिया है. आपके एंड पे आपको तुरंत क्या करना होगा, ये मैंने करवा दिया है. आप जरा DDT का वो एक क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, रेगुलर कैप्सूल वालों आप देख लीजिएगा एक क्वेश्चन. और दूसरा आप लोग ये ध्यान रखना, रिट का तुरंत फास्ट रीडिंग कर लेना और बायबैक ऑफ अनलिस्टेड शेयर. एक टनेज टैक्स बता देता हूं स्टूडेंट्स, ये पता नहीं सरप्राइज कभी दे देता है तो अननेसेसरी ऐसा होना नहीं चाहिए. इतना टफ देख लिया और टनेज टैक्स ने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया, तो काफी दुख होगा और आप उसमें मत अटक जाओ. तो एक टनेज टैक्स आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स. टनेज टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट ध्यान रखना, ये इंडियन डोमेस्टिक कंपनी के लिए एक क्वेश्चन हमने किया था रेगुलर कैप्सूल वालों, तो आप लोग ध्यान में रखना टनेज टैक्स स्कीम. और बाकी लोग क्या करें, आप कम से कम PM में से एक क्वेश्चन देख ले टनेज टैक्स के लिए. टनेज टैक्स कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप लोग के लिए ध्यान से सुनेगा, इस कॉन्टेक्स्ट में टनेज टैक्स में क्या ये इंडियन शिपिंग कंपनी के लिए है, इंडियन शिपिंग कंपनी के लिए होगा. अब इंडियन शिपिंग कंपनी के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, इनके लिए आप क्या करते हो, ऑप्शन इनको मिलता है. जैसे मालूम है स्टूडेंट्स सर्विस टैक्स लॉ में आपको कंपोजिशन स्कीम है सर्विस टैक्स लॉ में, कि आप सर्विस टैक्स ला सकते हैं फॉर एयरलाइन एजेंट, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक कंपोजिशन स्कीम है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर की. इस तरीके से उनका सर्विस टैक्स की लायबिलिटी लाई जा सकती है रूल 6 में ऑफ सर्विस टैक्स रूल 1994. एक अलग ही अनोखा तरीका है विच हैज गॉट नथिंग टू डू विथ योर नॉर्मल वे ऑफ कंप्यूटिंग अ सर्विस टैक्स अमाउंट. सेम वे यहां पे भी टनेज इंडियन शिपिंग कंपनी को क्या है, टनेज टैक्स स्कीम के तहत इन्हें एक कंपोजिशन करने को मौका मिलता है. एक ऑल्टरनेट तरीके से वो टैक्स नहीं कंप्यूट करेंगे, एक ऑल्टरनेट तरीके से वो अपना बिजनेस इनकम कंप्यूट करेंगे. बिजनेस इनकम कंप्यूट करने का एक अनोखा तरीका है, एक ऑप्शन दिया गया है, और वो ऑप्शन है स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टनेज कैपेसिटी. उनके टनेज कैपेसिटी के हिसाब से स्टूडेंट्स क्या है, वो ऑप्शन लाई जाती है. तो क्वालिफाइंग शिप का हमें नेट टनेज देखना है कि उसका नेट टनेज सर्टिफिकेट से पता चलेगा कि उसका नेट टनेज कितना है और उसी हिसाब से आपको अमाउंट ऑफ डेली टनेज इनकम, ये उनका डेली टनेज बिजनेस इनकम आपको मिलेगा कि कितना डेली इनकम हम माने तो नंबर ऑफ डेज वो जो शिप उस पूरे साल भर में आपने उसे अपने लिए चलाई थी तो उस नंबर ऑफ डेज से आप उसको मल्टीप्लाई कर ले. तो आपको पहले सर्टिफिकेट से देखना पड़ेगा कि उस शिप की क्षमता कितना है. 1000 टन का शिप तो उसकी डेली टनेज कितना हो जाएगा, 70 रुपए फॉर एवरी 100 टन. तो एवरी 100 टन के लिए अगर 70 तो 1000 के लिए कितना, इस तरीके से डेली इनकम मिल जाएगी. अगर 1000 का टनेज है तो आप बोलोगे सर 900 का है तो 900 का है तो वही 100 के लिए 70 रुपए एवरी 100 टन, तो फिर 900 के लिए कितना. तो उस हिसाब से पर डे का आपको क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली पर डे का आपको इनकम मिल जाएगा इनटू नंबर ऑफ डेज, कितने के लिए आपने शिप चलवाया था उतना अल्टीमेटली क्या कर लेंगे, आपको अपना बिजनेस इनकम आ जाएगा. अब उसी तरीके से बाद में एक्सीडिंग 1000 बट लेस देन 10,000, जल्दी जल्दी ये लिखते रहना. यहाँ पे 700 रुपए, 700 रुपए कैसा है, ऊपर के स्लैब से 700 रुपए आ गया प्लस 53 फॉर एवरी 100 टन. फॉर एवरी 100 टन 700 ऊपर से आ गया ना, प्लस 53 फॉर एवरी 100 टन. तो अगर आपका 1200 है तो 700 रुपए यहां पर आ गए और फिर 1200 आ गए तो 1200 में 200, तो यहां पे एवरी 100 के लिए 73. तो अगर 200 है तो इंटू 2, 53 इंटू 2 isn't it? तो 106. तो अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा, ये अगर 1200 है अगर मैं बता दूं तो ये 106 हो जाएगा, तो ये 806 कुल मिला के आ गया आपका डेली टनेज इनकम, डेली टनेज इनकम. और इसको मल्टीप्लाई कर लेना,
ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ स्लैब बताता रहता हूँ स्टूडेंट, बस लिखते रहना. एक्सेडिंग 10,000 बट लेस देन 25,000, तो आपको आ गया 5470. 5470 कैसे आ गया? पहले दो स्लैब का, और आप उसको ऐड करोगे 42 फॉर एवरी 100 टन्स. वो एक्स्ट्रा जो बनेगा 10 और 25,000 के बीच में जो एक्स्ट्रा है, 10 और 25,000 के बीच में जितना एक्स्ट्रा एक्सेस है, वो आप ये रेशियो में अल्टीमेटली आपको अपनी अमाउंट मिल जाएगी. और फिर लास्ट में एक्सेडिंग 25,000, तो स्टूडेंट्स पहले तीन स्लैब से आपको अगर आता है इतना प्लस 29 फॉर वो 25,000 के ऊपर जितना भी गया, तो 29 रुपीज ले फॉर एवरी 100 टन एक्सेस. ये आपको स्लैब याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट, एक बार लिख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट होगा. सो आई थिंक दैट आई एम डन विद दिस पर्टिकुलर थिंग. ये इसमें से एक 10 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है स्टूडेंट, सो ये भी आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया. सो नाउ विद दिस वन स्टूडेंट्स, हम अभी अब प्रोसीड करते हैं. वी शैल प्रोसीड नाउ टुवर्ड्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरनेशनल टैक्सेशन. मैं अभी ले लेता हूं और फिर इसको एक कंप्लीट करके फिर अगले वीडियो में आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का ये दे देता हूं. स्टूडेंट्स इसमें अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं दैट आई थिंक वुड बी क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरटीपी के हिसाब से जो मैंने देखा था तो इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी अल्टीमेटली लाई गई है. जस्ट बी वेरी केयरफुल एज फार एज अमेंडमेंट इज कंसर्न. कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर टीडीएस का क्या करें. सर टीडीएस स्टूडेंट्स ध्यान रखना, लास्ट अटेम्प्ट में पूछ लिया गया है, अच्छा खासा टीडीएस का पूछा है, तो इस अटेम्प्ट में कुछ और केस लॉज आए हैं, वो केस लॉ के वीडियो में आपको उपलब्ध मिल जाएगा, तो वो कर लेना. अब आप उतना तो अल्टीमेटली देखो, लास्ट पे रखो, ये मेरे एबीसी एनालिसिस का सी कैटेगरी माना जाएगा. कुछ एक्स्ट्रा टाइम अगर मिलता है, जो कि मेरे को लगता है कि मुश्किल है, फिर देख लेना, उसमें उतना मेरा खास इंपॉर्टेंस नहीं है. स्टूडेंट टीडीए इंटरनेशनल टैक्सेशन में पहले तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस पे ध्यान देंगे. रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर एन इंडिविजुअल, ये इंपॉर्टेंट होगा. अब पोएम वाला तो स्टूडेंट्स एप्लीकेबल नहीं है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, नहीं तो अदरवाइज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था. लेकिन इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस आप लोग ध्यान में रख के चलना, और उसमें तो आपको स्टूडेंट्स याद ये तो पता ही होगा इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्थिति बनती है. और क्वेश्चन कुछ पूछे भी गए कि स्टे कितना होना चाहिए यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में. अब मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन जल्दी से करवा देता हूं आपको, ये कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं. और फिर ये एडीआर जीडीआर को छोड़ के ध्यान रखना, वो सब वीडियो मैं नहीं करवाऊंगा, ऑफिस रिपीट वीडियो, मैंने पहले से होमवर्क आपको दे दिया. और रेंज कंसेप्ट ट्रांसफर प्राइसिंग का वो वीडियो मौजूद, तो मैं बार बार नहीं, तो यहीं पर अल्टीमेटली पता चला आज के दिन वही कर रहे हैं. तो स्टे अल्टीमेटली स्टूडेंट्स कितना होगा? ग्रेटर देन 182 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर. ये मेन प्राइमरी कंडीशन है, ये आपको देखना है स्टूडेंट्स, इजंट इट. अच्छा स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, वो कैबिन क्रू वाला मालूम है, कैबिन क्रू इंडियन क्रू वाला शिप है, वो अमेंडमेंट है FA-15 का, वो आरटीपी में से एक बार देख लेना. इसमें जो अमेंडमेंट है वो आरटीपी का क्वेश्चन देख लेना. क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि वही क्वेश्चन आ जाएगा आपको एग्जाम में, इसकी वजह से. अमेंडमेंट है वो अपना, वो कैबिन क्रू मेंबर्स के लिए कैसे अल्टीमेटली किया जाएगा, FA-15 का अमेंडमेंट है. और ये आप प्लीज आरटीपी में से देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस अटेम्प्ट के लिए. डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू इट. क्यों मैं आपको करवा बोल रहा हूं आरटीपी में से, वही क्वेश्चन आएगा उतनी तक मैं बोल सकता हूं आज की तारीख में. इसके लिए यहां पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जब पता है कि यार कल ये आ रहा है तो क्यों नहीं देख लो, देख लेना आरटीपी में से. आरटीपी मई 16 में भी था, मई 16 के आरटीपी में भी था क्वेश्चन, नवंबर 16 में भी है. अगर नवंबर 16 में नहीं देखे तो मई 16 के में से कर लेना, लेकिन देखना जरूर. तो स्टे एक्सीड 182 डेज, और फिर अकॉर्डिंगली अगर यस हो जाता है, नो हो जाता है, तो अगर यस है तो रेसिडेंट बन जाओगे, नो है तो आप अभी भी फिर आपको दूसरे टेस्ट में जाना पड़ेगा. ये बेसिक टेस्ट है आपका, बेसिक टेस्ट BT, तो दूसरा बेसिक टेस्ट BT1 BT2. BT का मतलब है बेसिक टेस्ट 1 बेसिक टेस्ट 2. तो यहां पे क्या हो जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में, स्टे का स्टे इसमें कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 60 डेज. एंड व्हाट? एंड स्टूडेंट्स यहां पे स्टे शुड बी ग्रेटर देन 365 डेज. ठीक है, चलिए. अच्छा, ये रेसिडेंट का कॉन्टेक्स्ट में होगा स्टूडेंट्स, रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में. सो स्टे ग्रेटर देन 60 डेज प्लस स्टे ग्रेटर देन 365 डेज. अच्छा, ये 365 डेज इन द लास्ट फोर इयर्स, तो 60 दिन करंट ईयर में प्लस लास्ट के 365 दिन इन द लास्ट फोर इयर्स. अच्छा स्टूडेंट नोटिस करना, ये वाला टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा
किसको नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये वाला टेस्ट स्टूडेंट्स एप्लीकेबल नहीं होगा वो एक इंडियन सिटीजन को। कौन है वो इंडियन सिटीजन? जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्यों? एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो इंडिया छोड़ के जा रहा है क्यों? एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो एक कैटेगरी है। या फिर वो जो क्रू मेंबर, मैंने बताया ना क्रू मेंबर वाली बात, और क्रू मेंबर वाली बात में कुछ अमेंडमेंट FA-15 का आ गया कि कैसे वो 182 डेज का क्राइटेरिया वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स वापस से, जो एक ऐसे एक एम्प्लॉयमेंट के लिए एक इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर जा रहा है, या फिर जो इंडियन शिप में जो क्रू मेंबर्स हैं उनको ये BT-2 नहीं लगेगा, उनको सिर्फ और सिर्फ BT-1 है, 182 डेज का क्राइटेरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर है और इंडिया में विजिट करने के लिए आया है, विजिट करने के लिए, सेटल होने के लिए नहीं, विजिट करने के लिए, तो उनके लिए भी ये BT-2 एप्लीकेबल नहीं होगा, BT-1 ही एप्लीकेबल है, BT-1 ही एप्लीकेबल है। तो BT-1 किसके लिए एप्लीकेबल होगा? सबके लिए, लेकिन दो कैटेगरी स्पेसिफिक है जिनके लिए सिर्फ BT-1 ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट वाला कैटेगरी है और दूसरा है इंडिया में विजिट वाला कैटेगरी है, सो फार एज इंडियन सिटीजन इज कंसर्न। अच्छा, ये रेसिडेंट हो जाए, ये यही तक अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, फिर बाद में, अब तक तो इतना ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये है, रेसिडेंट हो जाए, फिर हम चर्चा करते हैं एडिशनल टेस्ट को, एडिशनल टेस्ट को हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स। और एडिशनल टेस्ट में आपको अल्टीमेटली दो चीज मिलती है, RN OR, RN NOR। अब ये चीज में अपना दिमाग मत खराब कीजिएगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऊपर तक ही यहां तक साफ है। अगर आएगा इस पूरे इंडिविजुअल के रिजल्ट स्टेटस में तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही बनना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आइएगा नॉन रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में। स्टूडेंट नॉन रेसिडेंट में सेक्शन 9 का कुछ अमेंडमेंट्स है, यहां पे ध्यान में रखना, 911 के अमेंडमेंट में इसमें स्टूडेंट्स वो एक बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट है, 911 बिजनेस कनेक्शन, ठीक है? और बिजनेस कनेक्शन के बाद एक आपको पता है कि अगर एक NR का बिजनेस कनेक्शन क्या है इंडिया में, इन इंडिया, तो ऐसे केस में बिजनेस कनेक्शन अगर उसका इंडिया में है तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, इनकम इज डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, ठीक, बिल्कुल ठीक, टू अक्रू अराइज इन इंडिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नोटिस करना है यहां पे, ये हो गया, हाँ हो गया सर। अब सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पॉइंट में यहां पे बोला गया है कि अगर फंड मैनेजर एक NR है, नॉन रेसिडेंट है, या फिर आप इसको इन्वेस्टर बोल दो इंडिया के बाहर, अगर उनके फंड मैनेजर इंडिया में है, ये इन्वेस्टर मतलब इसको मैं कहता हूं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर उनके फंड मैनेजर इन इंडिया है, फंड मैनेजर का मतलब होगा वो उनके लिए क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं शेयर्स, तो सेल और परचेज ऑफ शेयर्स, सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया फॉर FIIs, ठीक है? और उससे ये जो बिजनेस प्रॉफिट आएगी, ये जो गेन होगा, इस गेन को स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा यहां पे, इस गेन को हम क्या कहेंगे, ये गेन अल्टीमेटली यहां पे या ये गेन यहां पे, सॉरी एक मिनट, ये गेन की कैरेक्टराइजेशन होगी, क्या ये गेन को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन्स कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये कहा जाएगा, और बिजनेस इनकम। अब आप बोलोगे सर बिजनेस इनकम कहां से आ गया भाई, बिजनेस इनकम ये तो अल्टीमेटली कैपिटल गेन्स का पॉइंट है, लेकिन स्टूडेंट नोटिस करना एक चीज को, बी केयरफुल स्टूडेंट्स। अब आप, मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सब लोग ध्यान से सुनना इस बात को, ये पॉइंट ही है स्टूडेंट्स की, क्या बिजनेस इनकम मतलब कि क्या होगा, बी केयरफुल, क्या ये बिजनेस कनेक्शन उसको मिलता है, ये आपको देखना है कि वेदर फंड मैनेजर अगर उसका इंडिया में है, अगर फंड मैनेजर उसका अगर इंडिया में है तो इस स्थिति में क्या वो FII का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, क्योंकि अगर मैं फंड मैनेजर फॉर द टाइमिंग इसको भूल जाऊं और एक एजेंट इसको बोल दो, एक एजेंट है जो हमारे लिए इंडिया में गुड्स खरीदता है बेचता है, हमारे लिए इंडिया में गुड्स को खरीदता है बेचता है, तब क्या हम कह सकते हैं
कि वो नॉन रेसिडेंट का उस एजेंट के थ्रू से एक बिजनेस कनेक्शन इंडिया में आ गया। बोलो, एक ऐसा एजेंट जो इंडिया में हमारे लिए गुड्स खरीदता और बेचता है, तो क्या हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो एजेंट के थ्रू से हमारा बिजनेस कनेक्शन आ गया? और अगर मेरा बिजनेस कनेक्शन है तो मेरा बिजनेस इनकम माना जाएगा, मेरा बिजनेस कनेक्शन है तो मेरा बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो आप इस एजेंट को फंड मैनेजर समझ लो, कि वो फंड मैनेजर है कौन, वो भी तो एक एजेंट ही है, क्योंकि वो उस एफआईआई के बिहाफ में शेयर्स को खरीदता बेचता है। तो हम कह सकते हैं कि वो एफआईआई का एक तरीके से इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। और अगर बिजनेस कनेक्शन है तो उसको क्या आ जाएगा, बिजनेस इनकम आ जाएगा। आप खुद ही महसूस करना स्टूडेंट्स, ये भले ही शेयर्स उसने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्यों ना खरीदा हो, ये भले ही शेयर्स उसने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्यों ना खरीदा हो, इससे क्या होने वाला है, इससे बताओ क्या होने वाला है, ये बिजनेस इनकम हो जाएगा। और अगर ये बिजनेस इनकम हो गया स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि एग्जैक्टली फिर क्या होगा, फिर अल्टीमेटली ये टैक्स इस पे जो लगेगी, ये टैक्स लगेगी बिजनेस इनकम पे, जो भी टैक्स लगेगा एमएमआर के बेसिस पे टैक्स लग जाएगा। Even though the shares has been bought and sold from a recognized stock exchange, क्योंकि exemption जो है वो long term capital gains को है under 1038, या फिर short term capital gains के लिए concessional tax rate है 111A में, लेकिन अगर वो business income माना जाएगा तब तो वो तो fully tax होगा। तो इस वजह से खतरा बन गया FII जो अपने fund manager in India है, उसके through से अगर वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर शेयर्स खरीदेंगे या बेचेंगे, तो उससे खतरा क्या है कि बिजनेस कनेक्शन का पॉइंट आप लगा के वो इनकम को बिजनेस इनकम कैरेक्टराइज किया जा सकता है। और अगर बिजनेस इनकम अगर वो कैरेक्टराइज हो गया तो उससे पूरा टैक्स एमएमआर के हिसाब से होगा, उससे नुकसान किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट का। तो गवर्नमेंट एफआईआई को नाराज नहीं करना चाहती है, तो उन्होंने क्या कहा, बोलो अमेंडमेंट क्या कहता है, आइए स्टूडेंट्स, अमेंडमेंट कहता है कि मियरली, आप खुद इतने समझदार हो चुके हो कि मियरली द प्रेजेंस ऑफ द फंड मैनेजर इन इंडिया, फंड मैनेजर इन इंडिया ऑफ द एलिजिबल, एलिजिबल लिखना स्टूडेंट, FII विल नॉट गिव राइज टू बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, विल नॉट गिव राइज टू बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिर्फ ये इनका इंडिया में होना अपने आप पे बिजनेस कनेक्शन को जन्म नहीं देगा, तो फिर बच गए, क्या वो सांस ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ अगर यही है तो, और ये शेयर्स को खरीदते बेचते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर एफआईआई, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में ये इनकम क्या बिजनेस इनकम मानी जाएगी, नहीं, ये इनकम क्या मानी जाएगी, कैपिटल गेन्स, और कैपिटल गेन्स है तो उस पर कंसेशनल टैक्स रेट लग जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स एक अमेंडमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है एज फार द एग्जामिनेशन इज कंसर्न, 911 का था। अदर देन दैट स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ट्रांसफर का अमेंडमेंट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार देख के आना रेगुलर और कैप्सूल वालों, मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाया था स्टूडेंट्स, ये वाला अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी आप लोग प्लीज देख के जाइएगा FA15, मैंने इसको बहुत अच्छे से करवाया है, लेकिन अभी मैं करवाऊंगा तो अननेसेसरी बहुत टाइम चला जाएगा इसको। इनडायरेक्ट ट्रांसफर है स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व करवाई थी इनडायरेक्ट ट्रांसफर में स्टूडेंट्स, सेक्शन 915 में, ये प्लीज वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रेगुलर एंड कैप्सूल स्टूडेंट्स, आप प्लीज उसको रेफर करके जाए। एक डायग्रामेटिकल अप्रोच से मैंने आपको ये करवाया था, मैक्सिमम 30 मिनट देना, उसके ऊपर नहीं, एक्सपेक्टेड है कि इस बार आ जाना चाहिए, 2012 से देख रहे थे कि नहीं आ रहा, क्योंकि मशीनरी प्रोविजन थी नहीं, अब बाय वर्च्यू ऑफ FA15 मशीनरी प्रोविजन जुड़ गई है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने स्टूडेंट्स करवाया है आप लोग को, इंश्योर करें इसको एक बार देख के चले, रेगुलर बैच कैप्सूल कोर्स स्टूडेंट्स, और जो बाकी स्टूडेंट्स होंगे वो भी उसको अल्टीमेटली क्या करें, एक बार देख लेना। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक 916 में ये इम्पोर्टेंट है, और इसने RTP में भी रखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, शायद ये भी आ जाए 916 में स्टूडेंट्स, यहां पे आपको जो अमेंडमेंट है ऑन इंटरेस्ट पार्ट ऑफ इट,
ये इंटरेस्ट का पॉइंट आपको तो आइडिया है, इसकी भी केस स्टडी हमने बनाई थी, तो जल्दी से क्विक रिकैप दे देता हूं। ये है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, इंटरेस्ट इनकम ऑफ द नॉन रेसिडेंट, इनके लिए इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। मैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर को जानबूझ के नहीं छेड़ रहा हूं, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट ट्रांसफर को अगर मैंने छेड़ दिया अननेसेसरी, वो वोडाफोन मेरे सामने आ जाता है। और मैंने बताया था कि 2007 तक तो वोडाफोन में ईवाई में तो हम लोगों ने ट्राइब्यूनल लेवल तक हमने पूरा काम इसका स्ट्रक्चरिंग ही किया था, जब मैं ईवाई में था मुंबई में। तो ये सिचुएशन तो अल्टीमेटली वो फिर तो खतरा है ना कि आई माइट गेट कैरिड अवे विद दैट वोडाफोन का डिसीजन, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है स्टूडेंट्स, आप लोग उसको प्लीज एक बार रेफर करके कंसोलिडेट करके खत्म कर लेना। अच्छा स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल टैक्स की कोर्स अनाउंसमेंट होने वाली है, ट्रांसफर प्राइसिंग की कोर्स अनाउंसमेंट होने वाली है मई 2017 से। बहुत ऐतिहासिक होगा आप लोग सब लोग के लिए, जॉब के लिए एग्जामिनेशन देने के बाद जब बच्चे ढाई महीने की छुट्टी पे रहते हैं, ढाई महीने एग्जामिनेशन के बाद क्या करोगे, अब वही ताश पत्ती खेलोगे एग्जाम के बाद, आईडीटी के बाद। तो मैंने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है, वो मई 17 अटेम्प्ट में पहला अटेम्प्ट होगा कि एग्जाम हो जाने के बाद ताश पत्ती नहीं खेलना है आपको शनिवार रविवार को। वो कोर्स में आप एनरोल कर ले, बहुत ही सिस्टमैटिक ट्रेनिंग आपको दी जाएगी फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग पे, ताकि जब कोर्स कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये जो आप किताबों में नहीं पढ़ते, सिलेबस में नहीं पढ़ते, वो आप अपने अंदर उसको बांध लेंगे। उससे क्या होगा, जैसे रिजल्ट आ जाए, पास हो जाओ, इंटरव्यू देना बिग फोर में, यू वुड बी मोस्ट प्रेफर कैंडिडेट। तो पूरी तैयारी चल रही है, अब हम वो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं मई 17 एग्जाम हो जाने के बाद, वीकेंड में हम ये शुरू कर देंगे ये पर्टिकुलर कोर्स। तो ताश पत्ती नहीं खेलना है, कंस्ट्रक्टिवली एग्जाम के बाद हमें अपना समय का उपयोग करना है, ताकि हमें जैसे रिजल्ट आउट हो, हमें अपना जॉब लग जाए बिग फोर में, और 8 से 12 लाख के बीच की जो पैकेज होती है जो फ्रेशर्स को मिलता है, उसके हम भी हकदार बन जाए। स्टूडेंट्स आइए जल्दी से, 9/1 मई 17 को स्टार्ट करूंगा। अभी बहुत अल्टीमेट स्टूडेंट्स प्रेशर है, क्योंकि मैंने खुद सेटअप ये करवाया है, थोड़ा टाइम दीजिएगा, मई 17 को शुरू हो जाएगा, तब तक मैंने सारा कमिटमेंट रख दिया है सारे फ्रेंचाइजीज को। चलिए 916 में हेड ऑफिस है स्टूडेंट्स, बैंकिंग कंपनी, सिटी बैंक ले लो, सिटी बैंक हेड ऑफिस है, और यहां पे ब्रांच है आपके, ब्रांच है आपके स्टूडेंट्स। तो सिटी बैंक हेड ऑफिस, सिटी बैंक ब्रांच, ब्रांच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। अब इन्होंने अगर इसको लोन दिया स्टूडेंट्स, नोटिस करना, इन्होंने इसको लोन दिया और ये इसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम वाले सर्विस टैक्स कानून में आपने पढ़ा होगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी एंड इट्स अनदर एस्टैब्लिशमेंट इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। एक एस्टैब्लिशमेंट पर्सन की इन अ टैक्सेबल टेरिटरी और उसकी दूसरी एस्टैब्लिशमेंट इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, उससे हम क्या मानते हैं सर्विस टैक्स लॉ में, बताइए, डीम टू बी अ डिस्टिंक्ट पर्सन। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी उन्होंने क्या कर दिया है, डीम टू बी अ डिस्टिंक्ट पर्सन का क्या कर दिया है उन्होंने, एक अमेंडमेंट करके, क्योंकि एज सच नोटिस करना स्टूडेंट्स, नोटिस कीजिएगा, महसूस करो, ये सिटी बैंक हेड ऑफिस और ब्रांच ये एक ही है, इजंट इट, अब एक ही है। तो अगर इंटरेस्ट ब्रांच अगर हेड ऑफिस को दे तो कैसा अनुभव होगा, ऐसा फील होगा कि इंटरेस्ट तो हम अपने आप को दे रहे हैं, इंटरेस्ट तो हम अपने आप को दे रहे हैं, तो और कोई अपने आप से इनकम तो कमाता नहीं है, कोई अपने आप से तो इनकम कमाता नहीं है। तो अगर ऐसी बात है स्टूडेंट्स, तो ये सिचुएशन में उन्होंने लगा कि यार लोन है 1000 करोड़ का यूएस डॉलर और इंटरेस्ट भी अच्छा खासा 100 करोड़ जा रहा है इनके पास, तो उनको लालच लगा कि यार ये हेड ऑफिस जो है 100 करोड़ की इनकम अपने ब्रांच से कमा रहा है, तो क्यों ना इनको अलग पर्सन बना दिया जाए और फिर ये 100 करोड़ हेड ऑफिस की इनकम बन जाए। और जैसे ये इनकम बन जाएगा, किसका इनकम बन जाएगा, किसका इनकम बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट की इनकम बन जाएगी। जैसे इनकम बन जाएगी, अकॉर्डिंगली आपको तो पता ही है चुनी बाबू, क्या हो जाएगा, इस पे ये टैक्स लग जाएगा। तो अमेंडमेंट क्या होगा बता दो स्टूडेंट, अभी आप खुद ही बता दो अमेंडमेंट क्या होगा। ये अमेंडमेंट है दैट द ब्रांच एंड द हेड ऑफिस इज डीम टू बी अ डिस्टिंक्ट पर्सन, और डीम टू बी अ डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब कि जो इंडिया का पीई है, इंडिया का जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, एंड दी हेड ऑफिस और दी अदर एस्टैब्लिशमेंट, एंड दी हेड ऑफिस और दी अदर एस्टैब्लिशमेंट आर डीम टू बी, डीमिंग फिक्शन लगाना है स्टूडेंट्स, क्या वर्ड लगाओगे, डीम टू बी, यहां पे लिखोगे इंडियन ब्रांच, इंडियन पीई,
ऐसा लिखना, चलो प्रोविजन लिखवा था, इंडियन पी एंड द हेड ऑफिस और अदर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी. ये सिर्फ बैंकिंग कंपनी के लिए ध्यान रखना फ्रेंड्स, आउटसाइड इंडिया is deemed to be distinct person. Is deemed to be a distinct person. ठीक है फ्रेंड्स, अब डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस, ये अमेंडमेंट लिख दिया आपने, हाँ लिख दिया, ये अमेंडमेंट है स्टूडेंट्स, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा लिखना क्योंकि आरटीपी में भी है, तो ये अमेंडमेंट इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, फिर कॉन्सिक्वेंस भी लिखोगे आप. ये अमेंडमेंट लिखने के बाद कॉन्सिक्वेंस लिखना, सिर्फ अमेंडमेंट लिख के फायदा नहीं है, यही तो दिक्कत है. आपने अब तक क्या पढ़ा था, सिर्फ ऐसे ही पढ़कर जाते हो, आपको तो प्रेजेंटेशन करना आता तो है नहीं, सिखाया तो कभी गया नहीं था, तो कॉन्सिक्वेंस भी लिखना है इसमें. इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि इनकम जो है, इनकम जो होगा ऑफ रुपीज 100 crores, इंटरेस्ट इनकम ऑफ 100 crores shall deem to accrue or arise in India. Shall deem to accrue or arise in India. Kisko? To foreign HO. किस सेक्शन में ये इनकम आ जाएगा? 915 में. तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स. इसके बाद स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन में अपार्ट फ्रॉम एडीआर जीडीआर का अमेंडमेंट, जो वीडियो आपके पास उपलब्ध है, वो अमेंडमेंट एडीआर जीडीआर, देखो ये अमेंडमेंट इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो अभी भी मैंने करवाया, प्लस एडीआर जीडीआर, मुझे लग रहा है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लीज देख के आना, उस पर मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, 90 एंड 91 पे ये डबल टैक्सेशन रिलीफ है, DTAA का ही है. लास्ट अटेम्प्ट में पूछ लिया गया है, लेकिन रेगुलर कैप्सूल वाले उसको क्विक रीड तो एक बार कर लेना, क्योंकि आपने तो कंसेप्चुअली समझा भी है. इस बार एक्सपेक्टेड अगर होगा ये डबल टैक्सेशन रिलीफ तो 91 से हो सकता है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में 90 पूछा था, लेकिन इसका मतलब पूछ लिया है तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट दोगे, 20 से 30 मिनट. ये रिलीफ वाले प्रोविजन डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे हमने कुछ पॉइंट्स हमने रखे थे, आर्टिकल 7 कुछ हमने बात रखी थी, टाई ब्रेक रूल था, उस पर भी हमने कुछ चर्चा की थी, जो क्लास में छोटी मोटी चर्चा की थी ना, तो 20 से 30 मिनट तक जल्दी कम्प्लीट कर लेना, कुछ ज्यादा ये नहीं है. 91 स्टूडेंट्स बहुत आसान है. अब 91 के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एक रेसिडेंट का ना एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, प्रैक्टिकली बनेगा ये भी, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल बनेगा अगर बनेगा तो एक रेसिडेंट पर्सन है, रेसिडेंट पर्सन होगा, इंडिया का रेसिडेंट पर्सन है, और उसने क्या किया होगा, फॉरेन इनकम, उससे क्या किया होगा, फॉरेन इनकम कमाया है. हाँ अच्छा, अब ये फॉरेन इनकम कमाया है अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिए, फॉरेन इनकम जो उसने कमाया है उस पर उसने टैक्स पे किया है, पेड इन फॉरेन कंट्री, चलो ये भी हो गया, टैक्स उसने फॉरेन कंट्री में पे किया. फिर क्या हो गया, सच इनकम शैल बी कंसिडर्ड इन कॉम्पिटिशन, किसकी कॉम्पिटिशन में, इन कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द रेसिडेंट. इसको आप कंसिडर कर लेना कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम में, ठीक है ना. और फिर उसके बाद क्या करोगे, ये फॉरेन इनकम को क्या करना, फिर आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिएगा, और ध्यान रखना नजर पैनी होनी चाहिए, 87A का इफेक्ट देख लेना, चेक कर लेना कि 87A एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं, 5 लाख तक का वाला कैटेगरी, ठीक है, मत भूलना. इसमें आपके लिए अमेंडमेंट आपका 2000 का मैक्सिमम रिबेट है इस कॉन्टेक्स्ट में. एनीवे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग सेस तक, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिएगा,
इंक्लूडिंग सेस एंड रिबेट जो होगा, और फिर बाद में आप क्या करोगे, रिलीफ दोगे अंडर सेक्शन 91। तो पहले रिबेट होता, उसके बाद रिलीफ होता। अच्छा, ये रिबेट के बाद आप, अच्छा 87A का रिबेट टैक्स पे होता है, उसके बाद सेस जाता है। 87A का अल्टीमेटली क्या होगा, रिबेट आप दोगे, उसके बाद रिबेट के बाद जो नेट टैक्स होगा, कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, 87A का रिबेट दोगे टैक्स के अमाउंट से, फिर जो नेट टैक्स होगा उस पर आपको सेस 3% लगाना है। ऐसा मत कर देना कि आप टैक्स पे सेस लगा देना फिर 87A का रिबेट देना, गलत हो जाओगे। और रिलीफ 91 का उससे सबसे एंड में आएगा। और इसमें क्या होगा, ये फॉरेन इनकम पे आप क्या कर देना, क्वालिफाइंग रेट लगा देना QR का फुल फॉर्म क्या है, क्वालिफाइंग रेट क्या है, लोअर ऑफ व्हाट, लोअर ऑफ द टू। वो दो क्या चीज है जल्दी बता दें आप लोग, वन इज, बताइए जल्दी, दी फॉरेन टैक्स रेट और दूसरा क्या है, एवरेज टैक्स रेट। अच्छा, एवरेज टैक्स रेट क्या आ गया, एवरेज टैक्स रेट कैसा आएगा, जो टैक्स लायबिलिटी है ऊपर जो कैलकुलेट किया इंक्लूडिंग सेस तक का जो टैक्स लायबिलिटी है डिवाइडेड बाय द टोटल इनकम, ये आपको एवरेज टैक्स रेट देगा। तो फॉरेन टैक्स रेट और एवरेज टैक्स रेट का कंपैरिजन कर ले, उसमें से जो भी कम रहेगा वो बन जाएगा क्वालिफाइंग रेट। ये क्वालिफाइंग रेट आप फॉरेन इनकम पे लगा देना, मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा आपको, द रिलीफ अंडर सेक्शन 91, और फिर फाइनली आपको क्या आ जाएगा, द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी नेट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका एक क्वेश्चन बस आप लोग हो सके तो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें जब क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कुछ 80C 80D इस तरीके से स्टूडेंट्स लोग को अननेसेसरी उलझा के रखा हुआ है। अब यही वजह से स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो जाती है, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली 80C 80 ये सब मतलब मैं आपको करवाता हूं, क्योंकि इस अटेम्प्ट के लिए ये एक्सपेक्टेड है, लाइकली है और शायद आ जाए, तो इस चीज के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा स्टूडेंट्स, लापरवाह नहीं रह सकते हो आप लोग। तो मैं आपको करवाता हूँ, ये आप लोग करते नहीं, मैं जानता हूँ आपको पसंद नहीं करते हैं आर्टिकल्स की कम्युनिटी इस चीज को, स्पेसिफिकली सीए फाइल की कम्युनिटी इसको पसंद नहीं करती है, लेकिन क्या करे, पिछले अटेम्प्ट में उन्होंने तो 80JJAA तो पूछ लिया है, तो इशारा साफ है कि अगर डिडक्शन में से कुछ केस बनता है इस बार के, तो ये 80C का प्रकोप शायद आपको उसे सामना करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, उस चीज से बचने के लिए हमें थोड़ा सा एहतियात बरतनी पड़ेगी, नहीं तो हाथ में आई चीज कैसे जाती है उसका जीता जाता मिसाल एग्जामिनेशन में आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो एक तो सबसे प्यारा आपका डिडक्शन है, कुछ डिडक्शंस कर लेते तुरंत, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, फील करो IPCC की यादों के साथ। नवंबर 15 में ये 80C ने बहुत कहर बरपाया था, 80TTA आ गए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। क्या है जल्दी से बता दो, इंडिविजुअल या HUF, या इसमें सिर्फ इंडिविजुअल और HUF लिखा है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, और ये दोनों हो सकते हैं, रेसिडेंट भी हो सकते हैं, NR भी हो सकते हैं, तो ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, इन्हें क्या है, सेविंग अकाउंट में जो आप अकाउंट में जो या तो बैंक में होगा या पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, जो भी उसमें जो इंटरेस्ट इनकम होगी, तो अप टू ₹10,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, बधाई हो। आइए ऐसे ही शुरुआत तो हमने 80TTA से किया, ताकि आप जो लोग ने ब्रेक लिया होगा वो ऑफिस से आगे होंगे, कल पता चला यही आ गया। अब सिर्फ 80C पे फोकस करना, 80C के आइटम्स भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल टैक्सेशन में सब चीज आ जाती है। अब स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पे
डेढ़ लाख तक का अमाउंट का मैक्सिमम लिमिट है। अब आपको स्टूडेंट्स बहुत सारे आपके लिए दिए गए हैं, जैसे कि एलआईसी प्रीमियम। एलआईसी प्रीमियम में ध्यान में रखना, इस सिचुएशन में एलआईसी प्रीमियम जो होगा ये किसके लिए आप दोगे, ध्यान रखना ये सोशल सिक्योरिटी है, तो आप अपने लिए, सेल्फ, स्पाउस या चिल्ड्रन। पेरेंट्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए इनएलिजिबल है, सेल्फ, स्पाउस या प्रीमियम, अपना चिल्ड्रन। अच्छा स्टूडेंट, इसका अगर एन्यूटी प्लान है, मतलब कि आपको अगर एन्यूटी प्लान अगर होता होगा, अगर ये एन्यूटी प्लान होगा तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको, क्योंकि एन्यूटी प्लान में आपको देखना पड़ेगा कि पॉलिसी की इश्यू डेट क्या होगी। पॉलिसी इश्यू डेट ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 1/4/2000 पहले, बिफोर है, बिफोर 1/4/1000 तो मैक्सिमम प्रीमियम का जो डिडक्शन मिलेगा, अगर उस पॉलिसी जो 1/4/2000 पहले की पॉलिसी है और इस करंट प्रीवियस ईयर 15-16 में आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो मैक्सिमम प्रीमियम का जो एटीसी में डिडक्शन दी जाएगी वो कितना है, 20% ऑफ द सम एश्योर्ड, तो पॉलिसी आपने ली है 11/12 में, अच्छा तो अच्छा, और कितना है सम एश्योर्ड है आपका, सम एश्योर्ड है 1 करोड़ रुपए, तो 20% ले लो आप, तो 20% कितना हो जाएगा, 20 लाख, लेकिन कितना डिडक्शन मिलेगा आपको, सिर्फ 1.5 लाख तक, 20 लाख का प्रीमियम पे करो आप यहाँ पे, तो मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड, तो मैक्सिमम 20 लाख अल्टीमेटली, ये है सिचुएशन। इस सिचुएशन में तो लेकिन डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1.5 लाख तक, मानते हो कि नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से स्टूडेंट, अगर ये आफ्टर है, से फॉर एग्जाम्पल दूसरा आपको आगे क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2013, तो 15% ऑफ दी सम एश्योर्ड, ये अभी आ गया, मैक्सिमम में थ्रेशोल्ड आ गया इसका, 15% ऑफ दी सम एश्योर्ड, ये अल्टीमेटली मैक्सिमम थ्रेशोल्ड आ चुका है, और ये चीज आपको बस क्या करनी है, ध्यान रखनी है। आई थिंक ये पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा एज फार एज एलआईसी प्रीमियम इज कंसर्न। तो आपको क्या करना होगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप पकड़ के चलो 10 लाख की क्या पॉलिसी है, ठीक है, आपने प्रीमियम 1.5 लाख का पे किया, 10 लाख की पॉलिसी, पॉलिसी कब ली आपने, 13/14 में पॉलिसी आपने ली है, 13/14 में 10 लाख का सम एश्योर्ड है, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, आपने प्रीमियम कितना पे किया है ऐसे केस में, इन दिस सिचुएशन 2 लाख का प्रीमियम पे किया, 2 लाख का प्रीमियम पे किया, अब आपको डिडक्शन मैक्सिमम कितना होगा, हाउ मच इज द मैक्सिमम डिडक्शन, 1.5 लाख, क्योंकि 15% ऑफ द सम एश्योर्ड, तो 1.5 लाख का आपको डिडक्शन मैक्सिमम दे दिया जाएगा। अच्छा एटीसी का अपर लिमिट कितना है, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का अल्टीमेटली आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। दूसरा सुनो, एक अमेंडमेंट भी लिख लो यहाँ पे जो आपके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट, अब गर्ल चाइल्ड जो है आपके, तो ये बहुत पॉपुलरली हो सकता है, तो गर्ल चाइल्ड अगर है यहाँ पे तो आप उनके नाम पे सम जमा करते रहे और आप एटीसी के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे, वो इंडिविजुअल अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे अल्टीमेटली पैसा जमा करते रहे तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, उनको एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये सुकन्या समृद्धि का केस है, ये अमेंडमेंट था। पीपीएफ का भी पता आपको स्टूडेंट्स, ये भी आपको आइडिया है। दूसरे पॉपुलर केस क्या है, ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस जो आप दे रहे हो किसके लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, ये अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दिया जा रहा है फॉर एडुकेशन पर्पस, वो भी आ गया। अच्छा दूसरा आएगा फ्रेंड्स, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन किसके लिए लिया था आपने हाउसिंग लोन, फॉर अक्वायरिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों के लिए, एचयूएफ वालों के लिए भी है। आपको क्वेश्चन अगर एचयूएफ का आ गया तो विचलित मत होइएगा, ये सब चीज एचयूएफ वालों के लिए भी है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रेगुलर और कैप्सूल स्टूडेंट्स, एक एचयूएफ पे क्वेश्चन आपको करवाया गया था, एचयूएफ टैक्सेशन में एचयूएफ पे क्वेश्चन करवाया था, प्रैक्टिकल एक बार गो थ्रू कर लेना, एचयूएफ पे क्वेश्चन करवाया था रेगुलर कैप्सूल वालों, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, पता चला कल एचयूएफ का क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में, बाकी लोग बोलेंगे सर हम क्या करें, आप पीएम में से देख लेना, एक एचयूएफ का
फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, ठीक है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन था वो टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी में एचयूएफ का एक क्वेश्चन आ जाएगा। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, एचयूएफ वालों को भी क्या रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, हाउस लिया एचयूएफ ने, कंस्ट्रक्शन किया है, लोन लेके कंस्ट्रक्शन किया है, उसकी रीपेमेंट की है, तो क्या उस रीपेमेंट पे क्या एटीसी की डिडक्शन मिलेगी? एंड आंसर इज यस। चलिए स्टूडेंट्स, ये वाला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने आपको बताया एटीसी में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में एटी डी ये भी आप लोग, अच्छा ये बाकी तो पेंशन फंड ये भी आपको पता है ना, ये भी शायद आपको पता होगा, एटीसी ये वाला कैटेगरी, फिर पेंशन फंड में एटीसीसीडी, इस कॉन्टेक्स्ट में पेंशन स्कीम, या फिर आपका एटी ट्रिपल सी, ये सब मिला के आपका मैक्सिमम लिमिट कितनी जाएगी? 1.5 लाख, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। हाँ, एक अलग बात है कि एक्स्ट्रा 50,000 है और नेशनल पेंशन ट्रस्ट का एक एक्स्ट्रा 50,000 है, लेकिन वो सब चीज मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, वो आईपीसीसी वालों के लिए हमने काफी डिटेल में वो बात कही थी, वो एक्स्ट्रा 50,000 किस केस में लगता है, नॉट फॉर सीए फाइनल, आई विल नॉट डिस्कस राइट नाउ एट दिस स्टेज। इसके अलावा स्टूडेंट्स, फिर एटी डी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एटी डी पे भी आता है, और एटी डी के कॉन्टेस्ट में, एटी डी के कॉन्टेस्ट में स्टूडेंट्स नोटिस करना, मैक्सिमम 60,000 तक का डिडक्शन जा सकता है, जा सकता स्टूडेंट्स एटीडी। आपको बस दो चीज ध्यान रखना आप लोग, देखिए एटीडी के कॉन्टेक्स्ट में ये सब मेडिकल प्रीमियम है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सबको पता है। अब ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स, आप अपने लिए मेडिकल प्रीमियम, आप अपने लिए फैमिली, मतलब अपने फैमिली के लिए जो स्पाउस चिल्ड्रेन यहां पे होने चाहिए, तो ऐसे केस में फैमिली का मतलब यहां पर होगा, या तो आप अपने लिए करें, मतलब स्पाउस के लिए करें, हिमसेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, या फिर पेरेंट्स के लिए, ठीक है, यहां पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखा नहीं आता, तो यहां पे डिपेंडेंट चाइल्ड ये देखते हैं, लेकिन जहां तक पेरेंट्स है They can be dependent or otherwise. इस पर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। Now with this one, इस context में इनके लिए अच्छा यूएसए डिडक्शन एचयूएफ को भी मिलता है, ये इंडिविजुअल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, एचयूएफ वालों को भी मिलता है मेडिकल प्रीमियम, इन एचयूएफ वालों के लिए सिर्फ मैक्सिमम 30,000 ही है, क्योंकि उनके एचयूएफ का पेरेंट्स नहीं होता, अगर एचयूएफ होगा तो उसका मैक्सिमम 30,000 तक जाएगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को 60,000 तक ही जा सकता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कैसे 60,000 तक जा सकता है? यहां पे जनरल डिडक्शन जो बनेगी इनकी 25 और 25, ठीक है। अब यहां पे अगर वो सीनियर सिटीजन है, खुद भी सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन हो गए तो उसको टॉप अप कर देना 5,000 से, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप टॉप अप कर सकते हो 5,000 से। अब इसके अलावा ये तो अल्टीमेट स्टूडेंट्स क्या हो गया, जनरल डिडक्शन, अगर आप हो और सीनियर सिटीजन हो तो ये 5,000 एक्स्ट्रा हो गया, ये एक कैटेगरी है। नाउ सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ ऑफ पर्सन, हु इज सुपर सीनियर सिटीजन, कोई अगर सुपर सीनियर सिटीजन निकल जाए तो स्टूडेंट्स वो खुद सुपर सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, तो ऐसे केस में
30,000 का. अच्छा, इनके लिए स्टूडेंट्स मेडिकल एक्सपेंस है, प्रीमियम नहीं, क्योंकि इनके लिए पॉलिसी बनती नहीं. आपको पता ही है कि अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तो आपकी उम्र क्या होगी, आपकी उम्र क्या हो जाएगी. तो ऐसे केस में वहां पे तो प्रीमियम कोई भी अल्टीमेटली वो कोई पॉलिसी वहां पे उनकी होगी नहीं, तो उनको बिचारों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है. उनके लिए क्या हो सकता है, उनके लिए क्या हो सकता है, 30,000 का खर्चा हो जाएगा. तो खर्चा करना पड़ेगा. तो मेडिकल एक्सपेंस ऑन द हेल्थ ऑफ द पर्सन हु इज सुपर सीनियर सिटीजन, तो 30,000. तो अकॉर्डिंगली ये यहां से पॉइंट है इनके लिए. और फिर मेडिकल इनके लिए एक्सपेंडिचर, और इनके लिए क्या है, इनके लिए प्रीमियम. दिस इज फॉर प्रीमियम एंड दैट इज फॉर एक्सपेंडिचर. देखो डिस्टिंक्शन मैंने बता दिया, तो आप लोग ध्यान में रखना. और यही वजह है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में, अच्छा इसको स्टूडेंट्स इसको बोल देना ए और इसको बोल देना बी. अब यहां पर लिखना मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ ए प्लस बी, यहां से 30 और यहां से 30. इसी वजह से इंडिविजुअल को टोटल 60,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है. ए प्लस बी का मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने आपको बता दिया है इस कॉन्टेक्स्ट में. And I think this is all that you should know about it. अच्छा students, बाकी कुछ और भी इसी संदर्भ में amendment है. यहाँ पे AT, यहाँ पे DD. AT DD का क्या होगा students? Maintenance expenditure, including treatment. Maintenance including treatment किसकी हो रही है? डिपेंडेंट पर्सन, डिपेंडेंट पर्सन. तो स्टूडेंट इनके लिए ये डीडी का होगा एप्लीकेबल. मेंटेनेंस लिखा इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट पर्सन. तो ऐसा हो सकता है कि बोला जाएगा क्वेश्चन में कि ये रेसिडेंट है, इसके ये डिपेंडेंट पर्सन है. ये क्वेश्चन हो सकता है, ये ध्यान रखना. ये अभी 91 करवाया था ना आपको, 91 उसमें एटी डीडी का क्वेश्चन काफी आया था कि ये एक ऐसे पर्सन है. और उसमें 91 में क्या होता है, आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है. तो उसमें 80 डबल डी बहुत टाइम पूछा है क्वेश्चन में, क्योंकि जीटीआई के बाद आपको चैप्टर 6 से आएगा. चैप्टर 6 से में 80, चैप्टर 6 से में 80 सी 80 डी, ये 80 डीडी का क्वेश्चन भी आया था उसमें. तो ये हो सकता है कि वो रेसिडेंट है जिसका फॉरेन इनकम है, वो फॉरेन इनकम है, लेकिन उसके घर पे एक ऐसा पर्सन है जो उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है फॉर देयर मेंटेनेंस इंक्लूडिंग देयर मेडिकल ट्रीटमेंट. तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स इनके लिए एप्लीकेबल ही किसके लिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए या एचयूएफ. तो ये सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में 75,000 फॉर नॉर्मल डिसेबिलिटी, 1,25,000 विथ सीवियर डिसेबिलिटी. मेंटेनेंस में क्या होगा, आप बोलोगे मेंटेनेंस में सर क्या होगा, नर्सिंग होगा, रिहैबिलिटेशन, ये सब चीज जो होंगे वो सब चीज. तो ये अमेंडमेंट स्टूडेंट्स 1,25,000 का, पहले सीवियर डिसेबिलिटी का क्लॉज नहीं था, अब सीवियर डिसेबिलिटी का क्लॉज डाल दिया है. तो आप लोग ध्यान में रखना, यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाए 80 डबल डी का तो ये चीज ध्यान रखना. और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा आपको 91 के साथ लिंक होके, तो लिंक होके आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा. एंड दैट इज वन थिंग दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको करवा दिया है एज फार एज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कंसर्न. नाउ इन दिस रिगार्ड चैप्टर 6 के ही कॉन्टेक्स्ट में, अब क्योंकि आपने ये कर ली है इन दिस वेरी कॉन्टेक्स्ट, ATIA, ATIB में स्टूडेंट्स आपको चिंता नहीं करना है. ATIA, ATIB इस पर्टिकुलर पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपको स्टूडेंट्स मैक्सिमम तो ये सीरीज में सिर्फ केस लॉज ही पूछे जाएंगे. कुछ केस लॉज जो पूछे जा सकते हैं वो ऐसे होंगे आपके लिए, हियर इन टू केस लॉज विच आर बिंग देयर. एक होगा आपके लिए
जो आईसीआई के बुकलेट में भी काफी हद तक मौजूद है, और वो था जो मैंने अपने केस के वीडियो में भी कवर किया, ये सारे ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक अगर होगा या फिर आपके कुछ भी ड्रॉबैक अमाउंट है या बैंक इंटरेस्ट ऑन बैंक गारंटी, बैंक गारंटी, क्या ये जो इनकम एसएससी के, ये आप ध्यान रखो स्टूडेंट्स, ये सब बिजनेस इनकम ही है, और हल से इंसिडेंटल बिजनेस इनकम, दे आर नथिंग बट इंसिडेंटल बिजनेस इनकम, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये बिजनेस इनकम है, ड्यूटी ड्रॉबैक से जो बेनिफिट मिला है वो, आपने कुछ लाइसेंसेस बेचे हैं उससे जो पैसे मिले हैं वो, आपने कुछ इंटरेस्ट ऑन बैंक गारंटी है, टॉप मैन एक्सपोर्ट, बहुत सारे कुछ केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के स्टूडेंट्स पे, इंटरेस्ट ऑन बैंक गारंटी, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक गारंटी वो इनकम आपको मिली है, तो वो भी एक तरीके से बिजनेस इनकम हुआ। तो ये सारे इंसिडेंटल बिजनेस इनकम है। क्वेश्चन ये है कि ये बिजनेस इनकम का आपको क्या डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80IA, क्या आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80IA? एंड आंसर इज नो। क्या वजह होगा, व्हाई द डिडक्शन इज नॉट गिवन? बिकॉज डिडक्शन जो है वो आपको मिलता है ओनली रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो द वर्ड डिराइव्ड है वो एक तरीके से इमीडिएट नेक्सस मांगता है, इमीडिएट नेक्सस चाहिए, किससे, किसके, किससे, किसके साथ, इमीडिएट नेक्सस किससे और किसके साथ चाहिए उसको। इट इज रिक्वायरिंग फ्रॉम द एलिजिबल एक्टिविटी, जो अंडरटेकिंग की एलिजिबल एक्टिविटी है वो, एंड द प्रॉफिट। तो इसी वजह से, क्योंकि ये इंसिडेंटल इनकम है, इसका कोई इमीडिएट नेक्सस नहीं है विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, तो इसी वजह से वो इंसिडेंटल बिजनेस इनकम क्वालिफाई नहीं करेगा सो फार एज अ डिडक्शन इज कंसर्न, सो फार एज अ डिडक्शन इज कंसर्न। तो ये एक लेवल की केस लॉज है स्टूडेंट, जो आपको ध्यान में रखनी है, दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। दूसरे वाले जो केस लॉज ये होंगे स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल केस स्टडी टाइप का बन सकता है, जो मैंने आप लोग को रेगुलर में भी और कुछ इस बार के कैप्सूल कोर्स में भी आपको करवाया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो बन सकती है स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में, यहां पे केस वन अगर आपको दे दो यहां पे कि एलिजिबल अंडरटेकिंग और इनएलिजिबल अंडरटेकिंग, या तो ऐसे लिख ले केस वन एक्स लिमिटेड यूनिट वन यूनिट टू, यूनिट वन को आप एटीआईए का डिडक्शन देते हो, यूनिट टू नॉट एप्लीकेबल। अब ये सिचुएशन में स्टूडेंट्स, यूनिट टू नॉट एप्लीकेबल, यूनिट वन में एटीआईए का ये है, इसके पास प्रॉफिट है 20 लाख का, इसके पास है लॉस 10 लाख की, तो क्वेश्चन ये आएगा इज वेदर द लॉस ऑफ इनएलिजिबल अंडरटेकिंग can be set off in computing
eligible profit for deduction. ये क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट हमने रखा था 10AA के कॉन्टेक्स्ट में. ऐसे क्वेश्चन में 10AA के कॉन्टेक्स्ट में भी रखा था कि क्या उसका जो लॉस है इन एलिजिबल अंडरटेकिंग का, क्या उसे सेट ऑफ किया जा सकता है इन कॉम्प्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ द एलिजिबल अंडरटेकिंग जिसका आपको डिडक्शन देना है ATIA में. स्टूडेंट्स नोटिस करना, 10AA में भी यही दिक्कत होती है. ये अगर करी रहे तो मैं 10AA का भी पॉइंट बता देता हूँ ताकि रिवीजन आपका 10AA का हो जाएगा, क्योंकि बाकी 10AA में तो कुछ दमी नहीं है. 10AA का क्या करते हो, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट लेते हो. 10AA में तो दो ही क्वेश्चन बनता है. एक क्वेश्चन ये है कि 10AA में आपको या तो इश्यू बेस्ड होगा जो ये इश्यूज जो मैं सामने रख रहा हूं, या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो AMT से लिंक्ड है. एक क्वेश्चन AMT से लिंक 10AA का है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन AMT से लिंक्ड है विद 10AA. आपको पता होना चाहिए, 10AA किया होगा तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि हाँ वो तो आसान है, उसमें कोई कौन सी बड़ी बात है. 10AA का डिडक्शन टोटल इनकम से लिया था हमने, फिर हमने क्या कर दिया होगा AMT के कैलकुलेशन में, AMT के कैलकुलेशन में वो डिडक्शन को एड बैक कर दिया था टू डिटरमाइन द एडजस्टेड टोटल इनकम. और फिर हमने क्या की AMT की लायबिलिटी लाई और वो AMT की लायबिलिटी कंपेयर किया विद द नॉर्मल लायबिलिटी, विद द नॉर्मल लायबिलिटी अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स. कंपेयर करके विच एवर इज हायर वॉज द फाइनल लायबिलिटी ऑफ द पर्सन बींग द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी. नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए था वो. तो 10AA पे या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, जो एक क्वेश्चन देख लेना ICAI के PM में भी मिल जाएगा आपको पहले टॉपिक में, जो आपका इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम है, या फिर हमने रेगुलर कैप्सूल बच्चों आपको तो करवा दिया था ये चीज, तो वहां पे देख लेना, तो उसमें भी आपको इस चीज का आपको मिल जाएगा. सेकेंड जो इश्यूज आ सकती है 10AA के कॉन्टेक्स्ट में वो ये सिचुएशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं. जो मैंने सेम मुद्दा जो ATIA के लिए रखा है वो सेम मुद्दा मैं 10AA 10B उसके लिए भी रखता हूं. ATIA के लिए जो मैंने रखा वो सब 10AA के लिए भी रखते हैं. एक बार वापस स्लाइड दिखाना कि अगर से यूनिट वन और ये यूनिट टू सेम फिगर लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, यूनिट वन एंड यूनिट टू से ये 20 लाख का इसका प्रॉफिट है और इसका ये लॉस है 10 लाख का. अच्छा ये भी मैं आपको बोल दूं कि इसका एक्सपोर्ट टर्नओवर ET एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, इसका एक्सपोर्ट टर्नओवर है से 100 लाख का और इसका टोटल टर्नओवर TT है 200 लाख की. अगर ये आपको डेटा दे दिया जाए तो अब आप बताओ क्या करोगे. ऐसे स्थिति में आप स्टूडेंट्स ऐसे केस में क्या करते हो 10AA के कॉन्टेस्ट में, जल्दी बताओ ये सिचुएशन में क्या करोगे. अरे बताओ. तो भी वहां पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आता है कि क्या पहले हम ये प्रॉफिट जो एलिजिबल प्रॉफिट है वो तो फॉर्मूला है आपको पता है, प्रॉफिट ऑफ द एलिजिबल अंडरटेकिंग, इसमें क्या करते हो प्रॉफिट ऑफ द एलिजिबल अंडरटेकिंग इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर. प्रॉफिट ऑफ द एलिजिबल अंडरटेकिंग इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर. और इसका आप क्या करोगे 100% ले लेना अगर फर्स्ट 5 years है तो ऑपरेशन का. अगर क्वेश्चन में दिया है कि वो SEZ यूनिट का पहला 5 साल का ऑपरेशन है तो उसका 100% ले लीजिए. अगर 5 से लेकर 10 साल के बीच में तो यही फॉर्मूला का 50% ले लेना फॉर 6th to 10th ईयर. आप उसका क्या कर लेना 50% ले लेना. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ विद दिस वन अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स. 20 लाख और 10 लाख. अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या मैं इसके प्रॉफिट को सेट ऑफ कर लूं और नेट पे ये प्रोपोर्शन लगाऊं. तो एक स्टूडेंट प्रिजम्पशन है, यहां पर ध्यान रखना प्रिजम्पशन लिया जाता है. एंड व्हाट इज प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन ये है दैट द प्रॉफिट ऑफ द एलिजिबल अंडरटेकिंग
shall be computed for the purpose of deduction ke liye as if it is the only undertaking of the SSC. ये लिखवा रहा हूं आपको क्योंकि आप लिख नहीं पाओगे एग्जामिनेशन में, इसके लिए एक बार लिख लो यहां पे, फाइनल लिख लो, कल लिख देना बाद में एग्जामिनेशन में अगर आ जाए तो, अदरवाइज आप लिख ही नहीं पाओगे और लिखोगे नहीं तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे. शैल बी कंप्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन एज इफ इट इज द ओनली अंडरटेकिंग ऑफ द एसएससी. अब तक तो लिखा नहीं है तो पहले आप भी लिख लो. रेगुलर कैप्सूल वाला आपकी तैयारी तो करवा दी थी हमने लिख लिख के. तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स, तो जब हम इसकी प्रॉफिट को कंप्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, इनकी जो प्रॉफिट को कंप्यूट करेंगे तो हम ऐसे कंप्यूट करेंगे कि ये पर्टिकुलर अंडरटेकिंग एसएससी का इकलौता अंडरटेकिंग है. इसी वजह से हमें अल्टीमेटली क्या करना होगा, यूनिट टू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना होगा, इग्नोर कर देना होगा. ये है द फिक्शन, ए प्रिजम्पशन जो किया गया है, दिस इज द फिक्शन दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. और इसी फिक्शन के बेसिस पे नोटिस करना स्टूडेंट्स, टोटल इनकम ये आप कंप्यूट करना. टोटल इनकम ये जो होगा, बी केयरफुल नाउ, ये जो टोटल इनकम होगा, अब जब कंप्यूट करोगे आप तो पीजीबीपी की बारी आएगी. पीजीबीपी की जब बारी आएगी तो आप क्या करेंगे, यूनिट वन का बताओ कितना स्टूडेंट्स, हियर इन 20 लाख, ये इनर कॉलम ले लेना, अमाउंट एन अमाउंट, तो ये 20 लाख का है यूनिट वन का अमाउंट, और लेस व्हाट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA. देखो प्रेजेंटेशन पे खास ध्यान रखना. तो जब प्रॉफिट कैलकुलेट की जाती है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये अंडरटेकिंग एसएससी का इकलौता अंडरटेकिंग है. तो क्या कैसे होगा, यहां पर देखो, तो ये प्रॉफिट कितनी होगी, ओनली 20 लाख. किसकी वजह से, ये प्रिजम्पशन की वजह से, ये प्रिजम्पशन किया ना ऊपर, उसकी वजह से. मतलब हमें इनएलिजिबल अंडरटेकिंग का लॉस की सेट ऑफ नहीं लेनी है. हमें इनएलिजिबल अंडरटेकिंग का लॉस की सेट ऑफ नहीं लेनी है. तो उसकी लॉस की सेट ऑफ आप नहीं लोगे तो देखिए स्टूडेंट्स, 20 लाख आपको आ गया, और ये 20 लाख को आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट टर्नओवर 100 लाख डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर 200 लाख, तो ये डिडक्शन आपको मिल जाएगी. तो कितना हो गया डिडक्शन, 10 लाख का. अब ये 10 लाख अल्टीमेटली आ जाए तो अब बैलेंस आप बाहर ले लेना, यूनिट वन का 10 लाख आ गया. अब फिर यूनिट टू जो है आपका, यूनिट टू का तो आपके पास लॉस है. अच्छा, एक बार डिडक्शन दे देने के बाद आपका बाहर देखो स्टूडेंट 10 लाख आ रहा है, 20 लाख × 1/2, 100 लाख / 200 लाख, तो 10 लाख बाहर आ रहा है. तो क्या अब यूनिट टू की लॉस, किस लॉस तो मैं वैसे का वैसे बाहर ले लूंगा, तो डिडक्शन के बाद फिर वो प्रॉफिट, डिडक्शन के बाद फिर क्या वो बैलेंस प्रॉफिट से सेट ऑफ करके आप अपना जीटीआई या आप अपना टोटल इनकम ला सकते हो? एंड आंसर इज यस, आप अपना जीटीआई या फिर आप अपना टोटल इनकम ला सकते हो, ये मुमकिन है. दिस इज अ पॉसिबिलिटी विच कैनॉट बी इग्नोर्ड. लेकिन जो प्रॉफिट लाने का समय था उसमें ये प्रिजम्पशन हमें मारना जरूरी है. जो प्रिजम्पशन ऊपर दिया था ना, वो प्रिजम्पशन हमने मारना जरूरी है. वो प्रिजम्पशन मार के मैंने अपनी प्रॉफिट लाई, और वो प्रॉफिट ला के अल्टीमेटली इस तरीके से हमने वर्किंग की, 10 लाख से नेट होके इस तरीके से आपका आंसर आ गया. फाइन स्टूडेंट्स, तो चलिए ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने आपको करवा दिया है. अब इसके बाद जो पॉइंट बचता है आप लोग के लिए, यह ध्यान से देखिएगा. इसके बाद यही चीज आप बोलोगे, सर हमने शुरुआत तो किया था एटीआईए से और आप 10AA में चले गए. हाँ, बात वही है. अब एटीआईए एटीआईबी यहां पे देखना, यही सेम क्वेश्चन ले आता है छोटे से. ये एटीआईए है ना, एटीआईए में जो ऊपर क्वेश्चन मेरा अभी भी बना है, प्रैक्टिकल केस स्टडी 1, एक्स लिमिटेड यूनिट 1 8 लाख, यूनिट 2 नॉट एप्लीकेबल, 20 लाख 10 लाख नेगेटिव. तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर स्टूडेंट कैसे लाओगे आप, यहां पर पीजीबीपी लानी पड़ेगी. इसका मैं एटीआईए का कर रहा हूं. अब नोटिस करना यहां पे क्या गेम होगा. पीजीबीपी में एलिजिबल यूनिट
एटीआई यूनिट की प्रॉफिट कितनी है, इनर कॉलम में 20 लाख ले लो, और इनएलिजिबल यूनिट की माइनस 10 लाख। तो ये सिचुएशन में अब आप खुद ही देखेंगे स्टूडेंट्स, फिर जीटी आएगा आपको। अच्छा, ये सेट ऑफ होगा नॉर्मल तरीके से, पीजीपी की तो सेट ऑफ होनी है, ठीक है, तो ये सेट ऑफ होनी है, ये सेट ऑफ हो जाएगा अंडर सेक्शन 70 में तो सेट ऑफ होना ही है। फिर आपको जीटी आ गया 10 लाख का, जीटी के बाद चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 में किस सेक्शन में आ रहे हो आप, चैप्टर 6 में किस सेक्शन में जा रहे हो, एटीआई है। अब ध्यान से देखना है क्या गेम होने वाला है। अब एटीआई में यहां पे प्रॉफिट ऑफ द एलिजिबल अंडरटेकिंग, ईयू इज एलिजिबल अंडरटेकिंग इनटू इसका एटीआई का परसेंटेज कितना लोगे आप एग्जाम में, 100%। एटीआई का परसेंटेज कितना लोगे आप एग्जाम में, 100%, ठीक है। अब नोटिस करना स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट क्या होगा, एज पर द प्रिजम्पशन, जो प्रिजम्पशन लिखवाया ना आपको, इसको एक इकलौता ही मान के चलो स्टूडेंट्स। वो प्रिजम्पशन के हिसाब से क्या होगा कि ये यूनिट एक लौता यूनिट है, अगर ये यूनिट एक लौता यूनिट है उस प्रिजम्पशन के हिसाब से तो वही है, दैट इज द ओनली यूनिट ऑफ द एसएससी, यही तो है प्रिजम्पशन। तो उस प्रिजम्पशन के हिसाब से अगर हम वो एलिजिबल प्रॉफिट लाए ऑफ द अंडरटेकिंग, तो ऐसे केस में कितना प्रॉफिट होगा, दैट प्रॉफिट देयरफॉर हैज टू बी विदाउट सेट ऑफ, विदाउट सेट ऑफ। तो उस हिसाब से तो 20 लाख आ गया, लेकिन स्टूडेंट्स इस एटीआईए जो कि आपका चैप्टर 6A के अंदर आता है, बी केयरफुल, एटीआईए क्योंकि आपके चैप्टर 6A के अंदर आता है, तो चैप्टर 6A के अंदर आता है, तो जो भी डिडक्शन देना है, डिडक्शन जो आपको मिलना है वुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, जो डिडक्शन मिलेगा बताएं आप स्टूडेंट्स, वुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट जो कि इंक्लूडेड है, कहां पे इंक्लूडेड है प्रॉफिट जो कि इंक्लूडेड है, कहां पे इंक्लूडेड है, इन जीटीआई, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडेड इन जीटीआई, क्योंकि हमें जीटीआई में से चैप्टर 6 का डिडक्शन देना है, हमें जीटीआई में से चैप्टर 6 का डिडक्शन देना है, तो अगर हमें जीटीआई में से चैप्टर 6 का डिडक्शन देना है स्टूडेंट्स, तो उसी तरीके से जीटीआई में वो एलिजिबल अंडरटेकिंग का प्रॉफिट कितना है, जीटीआई में वो एलिजिबल प्रॉफिट का अंडरटेक, जीटीआई में एलिजिबल अंडरटेकिंग का प्रॉफिट कितना है, एलिजिबल अंडरटेकिंग का प्रॉफिट जीटीआई में कितना है, सेट ऑफ हो जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट कितना बच गया है एलिजिबल अंडरटेकिंग का, सिर्फ 10 लाख। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रॉफिट ऑफ द एलिजिबल अंडरटेकिंग प्रिजम्पशन के हिसाब से अगर हम देखें, प्रिजम्पशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये होगा स्टूडेंट्स 20 लाख, प्रिजम्पशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये होगा स्टूडेंट्स 20 लाख, ठीक है। ये सिचुएशन में, इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स 20 लाख का एक केस है प्रिजम्पशन के हिसाब से देखें, ठीक। और अगर हम वो देखेंगे कि एटीआई चैप्टर 6 का हिस्सा है, और चैप्टर 6 जो है वो अल्टीमेटली चैप्टर 6 में उस एलिजिबल अंडरटेकिंग का प्रॉफिट कितना है, तो वो एलिजिबल अंडरटेकिंग का जो प्रॉफिट है वो रुपीज 10 लाख है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स, ऐसे पर्टिकुलर केस में फाइनली हम क्या कंक्लूड करेंगे, ऐसे केस में हम फाइनली कंक्लूड करेंगे ये 10 लाख का ही डिडक्शन आपको मिलेगा, तो आप डिडक्शन 10 लाख का दोगे और फाइनली आपकी टोटल इनकम कितनी बनेगी, नील। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ कि ये 10AA के अंदर हमने ये जिस तरीके से हमने यहां पे 10 लाख लिया है, जिस तरीके से हमने 10 लाख लिया है यहां पे, हमने 10AA के अंदर ऐसा क्यों नहीं किया था, व्हाई वी हैव नॉट डन द सेम थिंग अंडर सेक्शन 10AA। 10AA में तो हमने बिना सेट ऑफ के जो भी एलिजिबल अंडरटेकिंग का प्रॉफिट था
वो प्रॉफिट पे हमने एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करके हमने क्या कर दिया, हमने डिडक्शन डिटरमाइन की. लेकिन यहां पे हमने जो डिडक्शन डिटरमाइन किया, यहां पे जो हमने डिडक्शन डिटरमाइन किया, वहां पे हमने प्रिजम्पशन के हिसाब से भी किया और उसके हिसाब से भी किया. किसके हिसाब से? जहां पे आपका जीटीआई में उस एलिजिबल अंडरटेकिंग का प्रॉफिट कितना है, उसको दोनों को कंपेयर करके जो लोअर अमाउंट है उसकी डिडक्शन दिलवाई. क्योंकि आपको आंसर पता चल चुका जाना चाहिए कि एटीआई का डिडक्शन चैप्टर 6 के अंदर है एंड 10AA का डिडक्शन कहां पर है स्टूडेंट्स? इट फॉल्स. 10AA का डिडक्शन बताइए कहां पर है? क्या चैप्टर 6 के अंदर मिलता है? नहीं, वो आपको हेड के अंदर जाके मिलता है, रिस्पेक्टिव हेड के अंदर ही मिल रहा है. और क्योंकि रिस्पेक्टिव हेड के अंदर ही मिल रहा है, इस वजह से हम 10AA का डिडक्शन जीटीआई में से नहीं देते. एटीआई का डिडक्शन हम किस में से देते हैं? जीटीआई में से देते हैं. और इसी वजह से भले ही एटीआई ए के अंदर वो प्रिजम्पशन की लैंग्वेज लिखी गई है जो हमने 10AA में भी देखी है, उसके हिसाब से तो 20 लाख आपको आ रहा था प्रॉफिट, एलिजिबल प्रॉफिट जिसपे आपको डिडक्शन मिलना था. लेकिन क्योंकि ये एटीआई ए का डिडक्शन जीटीआई से मिलता है, जीटीआई से मिलता है, इस वजह से जीटीआई के अंदर वो एलिजिबल अंडरटेकिंग का कितना प्रॉफिट शामिल है, उतना प्रॉफिट तक का ही आपको डिडक्शन फाइनली दिया जाएगा. एंड दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर एंटायर सिचुएशन इज. होपफुली स्टूडेंट्स आपने ये चीज को पकड़ ली होगी, ठीक है ना? तो ये आपका एटीआई ए, 10AA. 10AA में मैंने आपको बोला कि एक क्वेश्चन देख लेना, वो एक एएमटी पे होगा एक क्वेश्चन, अल्टीमेटली वो देख लेना. रेगुलर कैप्सूल वालों, आप लोग थोड़ा एटीआईए एटीआईबी में मैंने कुछ और ऐसे एग्जांपल्स बना के आपको ऐसे दिए थे, उसको क्विकली गो थ्रू आप लोग कर लेना. 10-15 मिनट का रहेगा आपको एक्स्ट्रा काम, लेकिन वो जो और भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमने बनाए थे क्लास में, एक बार उसको देख लेना ताकि क्या हो जाए, ये भी कंसेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए. कर्नाटका हाईकोर्ट का एक डिसीजन भी किया था हमने, वो केस स्टडी किया था कर्नाटक हाईकोर्ट का, उसको एक बार बस क्विकली गो थ्रू कर लेना. तो आपका स्टूडेंट चैप्टर 6 से मैं क्या कर दिया हूं, एक तरीके से कंप्लीट कर दिया हूं. एटीसी, एटीडी, एटीडीडी, ये सारे सेक्शन का रेलेवेंस बनेगा स्टूडेंट्स 91 के सेक्शन में, जो रिलीफ का सेक्शन है उसमें. वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू, रेसिडेंट है उसके पास फॉरेन इनकम है, डबल टैक्सेशन रिलीफ, यूनिलैटरल रिलीफ है 91 में, उसको यूनिलैटरल रिलीफ मिलेगा. और बताएंगे कि वो रेसिडेंट के पास एक डिपेंडेंट पर्सन है जिसका वो मेंटेनेंस करता है, सीवियर डिसेबिलिटी का केस है, कितना रिडक्शन दोगे? 1,25,000. उसका कुछ पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है, कितना डिडक्शन दोगे? मैक्सिमम 1,50,000. मेडिकल प्रीमियम दे रहा है अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, तो उसके लिए अपने लिए अगर है तो उसका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड 25,000 है. अपने पेरेंट्स के लिए अगर होगा, अगेन मैक्सिमम थ्रेशोल्ड 25,000. अगर सीनियर सिटीजन है तो 5,000 ऐड कर देना. उस हिसाब से आपको क्या मिलेगी, द क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम अंडर सेक्शन एटीटी. ठीक, एटीटीटीए इंटरेस्ट का बात मैंने बता दिया स्टूडेंट्स. तो अब वो इंटरेस्ट हो गया, तो उस हिसाब से चैप्टर 6 से भी इस इंटरनेशनल टैक्सेशन के हिसाब से प्लस डीडीटी प्लस एआईएफ मैंने आपको करवा दिया. डीडीटी का स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 वो देख लेना, दैट शुड बी ऑल. असेसमेंट प्रोसीजर, रिटर्न ऑफ इनकम देखेंगे, असेसमेंट प्रोसीजर रिटर्न ऑफ इनकम देख लेंगे वो उसके सेक्शन, ठीक है? और उस पर जो अमेंडमेंट आया वो एक बार देख लेना. और बाकी केस लॉस के वीडियो में से केस लॉ देखेंगे, अपील रिवीजन केस लॉ के वीडियो में से केस लॉस देख लेना, एक्सपेक्टेड है, मोस्ट लाइकली है. पेनाल्टी मैं आपको एक अमेंडमेंट करवा देता हूं अगले वीडियो में, अल्टीमेटली क्या करूंगा, पेनाल्टी वो करवा दूंगा, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी. तो पेनाल्टी भी कंप्लीट कर लेना आप लोग वहां पे, केस लॉस प्लस अमेंडमेंट एंड दैट शुड बी ऑल. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स एक काम करेंगे, 10 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लेना, 10 मिनट के बाद रिज्यूम करते हैं क्विकली.